हेलो, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिका ऑफिशियल। एंड यस, इन दिस वीडियो वी विल कवर द लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 6 ऑफ आवर एफडीएस। ठीक है, एफडीएस वैसे तो हमारा सेकंड पेपर है एंड वी विल डू दिस वेरी वेरी इन सिंपल वे। तो क्यों जो है ना, ये डेटा स्ट्रक्चर आज इस पूरे यूनिट का जो है मेन टॉपिक है। तो इसके अंदर जो भी हमारे सिलेबस के अंदर है वो सब कुछ हम पढ़ेंगे एंड बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगी। वी विल ट्राई टू कोड ईच एंड एवरी प्रोग्राम एंड उस कोड से आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ, आपको सूडो कोड में या अल्गोरिदम में क्या क्या लिखना होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से करना एंड चलो स्टार्ट करते हैं। एंड और जो यूनिट्स हैं एफडीएस के वो ऑलरेडी वन शॉर्ट्स में अपलोडेड हैं, तो जाके आप वो भी चेकआउट कर सकते हो चैनल के अंदर। एंड अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए विद ऑल मास्टर सॉल्यूशंस, यू कैन जस्ट गो एंड फिल द गूगल फॉर्म व्हिच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन एंड यू विल बी एडेड इन द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल इफ यू आर अ कंप्यूटर और एआईडीएस स्टूडेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्यू की मैं बात कर रही हूँ, यह हमारा यूनिट 6 है। तो अभी रिसेंटली हमने यूनिट 5 देखा था जिसमें हमने स्टैक पढ़ा था। तो अगर आप स्टैक पढ़ के आए हो तो क्यू आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा, ताकि आप को रिलेट भी कर पाओगे और उनके बीच में डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे। तो बेसिकली एकदम उल्टा कर रहे होते हैं हम यहाँ पर क्यू के अंदर एंड वही सेम चीजों का जो है ना लॉजिक हम लगा रहे होते हैं। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ क्यू के, तो क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो फॉलो करता है फीफो को। फीफो मतलब क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, हमने स्टैक के अंदर देखा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में हम ऐड कर रहे थे वही फर्स्ट आउट हो रहा था। इसका मतलब अगर हम किसी स्टैक ऑफ कॉइन्स या किसी स्टैक ऑफ बुक्स की बात कर रहे थे, तो मतलब जो लास्ट रखी जा रही है वही फर्स्ट जा रही है, राइट? अब अगर क्यू की बात करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल जो है वो फॉलो होता है, तो क्यू इस वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा होता है। अगर किसी लाइन की बात करें हम, जैसे हम बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि इस शॉप में लाइन लगी हुई है, तो इस शॉप में क्या है? क्यू लगी हुई है, राइट? तो उस शॉप में जो क्यू है उसमें जो फर्स्ट पर्सन इन द क्यू है वही फर्स्ट है जिसका हम ऑर्डर ले रहे होंगे, है ना? तो ये होता है क्यू। इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल हमारे क्यू के अंदर जो है वो फॉलो हो रहा होता है। सो द एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट इज द वन टू बी रिमूव्ड फर्स्ट, है ना? हमेशा जो उस क्यू में पहले आया होगा वही पहला उसका काम हो रहा होगा एंड वही पहले बाहर जा रहा होगा उस क्यू से। सो सिमिलर टू द क्यू हम इसके जो है ना रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, पीपल स्टैंडिंग इन लाइन। ओके, अब कुछ की टर्म्स हैं, जैसे कि अभी हमने स्टैक के अंदर भी पढ़ा था कि अगर हमें किसी एलिमेंट को ऐड करना है अपने स्टैक में तो हम पुश कर रहे थे, अगर हमें किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो हम पॉप कर रहे थे। तो उसी चीज को बस क्यू के अंदर हम क्या बोलते हैं, अगर हमें ऐड करना है किसी एलिमेंट को क्यू में तो हम बोलते हैं एनक्यू करना। ठीक है, इंसर्ट करने को हम क्या बोलते हैं? एनक्यू करना। ओके, अब रिमूव करना है किसी एलिमेंट को तो हम बोलेंगे डी क्यू करना। क्लियर? अब अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू को हमें प्रिंट करवाना है या फिर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू को जो पॉइंट करता है वो होता है हमारा फ्रंट पॉइंटर। अब स्टैक के अंदर हम कौन सा पॉइंटर यूज कर रहे थे गाइस, बताओ? हम टॉप पॉइंटर यूज कर रहे थे और वो टॉप पॉइंटर मुझे जो मेरा मेरे जो स्टैक है उसमें जो लास्ट एलिमेंट है उसको पॉइंट कर रहा था हमेशा, राइट? तो बस अब क्यू के अंदर हमारे पास दो पॉइंटर आ जाते हैं, फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर। तो जो फर्स्ट पॉइंटर है वो मेरे फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा क्यू में और रेयर जो है वो मेरे लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा क्यू में। अब ये जो है ना, ये पिक्चर आपको बहुत ज्यादा ईजी लगेगी जब आप क्यू को कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो। NQ करना मतलब क्या होता है? यहाँ पर इंसर्ट करना। और DQ करना मैंने क्या कर दिया? यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये जो है ना फ्रंट कहलाया जाता है जो फर्स्ट एलिमेंट होता है और रेयर कहलाया जाता है जो लास्ट एलिमेंट होता है। चाहे तो हम फ्रंट को हेड भी बोल सकते हैं, रेयर को हम बैक और टेल भी बोल सकते हैं, बट वी विल कीप इट सिंपल, वी विल अंडरस्टैंड इट बाय फ्रंट एंड रेयर। क्लियर? अब देखो कुछ टाइप्स ऑफ क्यू होते हैं। तो बेसिकली पहला होता है हमारा सिंपल क्यू, ठीक है, जो बेसिक हम उसके अंदर एनक्यू डीक्यू फ्रंट रेयर वाले ऑपरेशंस करके देख रहे होंगे। फिर होता है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या? सिंपल क्यू में सिर्फ हम एक ही साइड से हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो डबल एंडेड क्यू होता है ना उसमें हम दोनों भी साइड से क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर मैं बेसिक इसकी लैंग्वेज में बात करूं तो क्यू में हम जो एन क्यू और डी क्यू है वो दोनों भी एंड पे कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डबल एंडेड क्यू। तो डबल एंडेड क्यू हमारे दो जो है ना टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू और एक है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। तो अगर इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू की बात करें तो जो हमारा क्यू है ना उसमें एक एंड पे क्या होगा, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड होगा। इसका मतलब जो आउटपुट है वो हम दोनों साइड से कर पाएंगे और इनपुट एक ही साइड से कर पाएंगे, एक साइड से जो है ना इनपुट रेस्ट्रिक्टेड होगा। तो
आउटपुट आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू के अंदर क्या होता है, आउटपुट मतलब क्या हम डिलीशन समझेंगे, ठीक है। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू के अंदर क्या होगा ना, जो हमारी क्यू होगी, जो कि दोनों साइड से हम इंसर्शन डिलीशन समझ रहे हैं, इंसर्शन मतलब हम इनपुट समझ रहे हैं एंड डिलीशन मतलब हम आउटपुट समझ रहे हैं, तो एक साइड से आउटपुट रेस्ट्रिक्ट होगा, इसका मतलब एक साइड से बस आप डिलीशन नहीं कर सकते हो, बाकी सेकेंड साइड से आप डिलीशन भी कर सकते हो एंड आप इंसर्शन भी कर सकते हो, एंड जो दूसरी साइड है जहां से डिलीशन नहीं हो रहा है वहां से आपका जो इंसर्शन हो सकता है, बेसिकली सिर्फ दोनों साइड में से एक साइड का जो आपका डिलीशन वाला प्रोसेस है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बाकी इंसर्शन दोनों भी साइड से चलेगा, ठीक है। सो ये होता है डबल एंडेड क्यू। फिर होता है आपके पास सर्क्यूलर क्यू। सर्क्यूलर क्यू जो है ना, एक एज एन एडवांटेज इसको यूज करते हैं, एंड क्योंकि सिंपल क्यू डबल एंडेड क्यू की क्या है ना, आप ऐसा समझ सकते हो कि इनका जो फुटबैक है, बेसिकली हम ये समझते हैं कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हम ऐड कर रहे हैं उसके बाद जब हम उनको डी क्यू कर रहे हैं, यानी उनको जब हम डिलीट कर रहे हैं तो उनकी जो स्पेस है वो वहीं पर वो स्पेस जो है ना वैसी ही रह जाती है, ठीक है। तो वो स्पेस जो है फिर वो अनयूजफुल हो जाती है, एंड वो एकदम हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेमोरी में स्पेस है ना वो ऐसे वेस्ट जा रही है। लेकिन सर्क्यूलर क्यू के अंदर क्या होता है, अगर हम डिलीट भी कर रहे हैं ना तो वो एलिमेंट वहां पर जाकर जो है ना, जो स्पेस हमारी पहले डी क्यू हो गई थी वहां पर जाके वो हमारा एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है, तो ये जो है इसका एडवांटेज है। तो ये सब चीजें जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, जस्ट आई एम गिविंग यू कंप्लीट ओवरव्यू इन द इंट्रोडक्शन। फिर जो लास्ट टाइप ऑफ क्यू है वो है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू के अंदर अगर हम बात करें ना, तो अगर नॉर्मल लाइफ में भी कोई क्यू होती है तो हम ऐसा समझते हैं, देखो कभी कभी किसी की प्रायोरिटी हाई होती है, यानी कि कोई कोई मतलब हाई डेस्टिनेशन मतलब हाई उनका जो है ना डेजिग्नेशन होता है, लाइक कोई ऑफिसर वगैरह है तो वो क्यू में खड़े नहीं होंगे, वो साइड में जाके बात कर लेंगे एंड उनका जो नंबर है वो पहला ले लिया जाता है, एंड जो उनकी प्रायोरिटी है वो हाई होती है। कभी कभी हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई आंटीज या कोई अंकल वगैरह मतलब बिना फालतू में वो ऐसा बोलते हैं कि भाई हम आगे थे या आप पीछे थे, या फिर हमारी कोई प्रॉब्लम है लाइक सीरियस कोई इश्यू है हमें आगे जाने दीजिए, कभी कभी रिक्वेस्ट करते हैं, कभी कभी हम समझ सकते हैं। सो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं अगर नॉर्मल क्यू की बात करें तो, कभी कभी प्रायोरिटीज के ऊपर भी हमारे जो क्यू है उनमें से एलिमेंट्स जो है वो रिमूव हो रहे होते हैं। तो वही प्रायोरिटी क्यू जो है वो हमारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी है, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू और डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। तो बेसिकली इसमें प्रायोरिटी के हिसाब से हम क्या करते हैं ना, एलिमेंट्स को रिमूव या फिर इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो देखो इन्हीं को मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल वे के अंदर लिखा हुआ है। सिंपल क्यू जो है मैंने आपको अभी बताया ये क्या करता है, सिंपली फॉलो करता है फीफो स्ट्रक्चर, और हम जो है ना इंसर्ट करेंगे एलिमेंट को बैक से। हमें पता है कि जो अगर क्यू होती है तो उसमें जो नया पर्सन आएगा वो बैक में एकदम लास्ट में आएगा, और जो पर्सन रिमूव होगा वो फ्रंट से रिमूव होगा। तो बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ओनली इंसर्शन जो होगा एलिमेंट का वो फ्रॉम बैक होगा, एंड जो रिमूव होगा वो आपका फ्रंट से होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल एंडेड क्यू। देखो डबल एंडेड क्यू को ऐसे डी क्यू से भी डिनोट किया जाता है। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये वाले डी क्यू से और ये जो हमने ऊपर डी क्यू देखा ना, ये वाला डी क्यू ये क्या है, आपका रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू है, और ये डी क्यू क्या है, आपका डबल एंडेड क्यू है। तो प्लीज इसमें आप एग्जाम टाइम्स में भी कंफ्यूज मत होना, ओके। ये ना डबल एंडेड क्यू मैंने आपको क्या बताया, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस दोनों साइड से हो सकते हैं, तो बोथ कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स। तो इसमें जो दो टाइप्स आ जाते हैं, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू एंड आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। तो बेसिकली इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या होता है मैंने आपको बता दिया, दोनों में भी क्या होता है मैंने आपको बता दिया, वो आप सिंपल रीड करो। देखो दिस इज अ सिंपल क्यू, एंड इन दिस टाइप ऑफ क्यू द इनपुट कैन बी टेकन फ्रॉम ओनली वन एंड, क्योंकि एक एंड से क्या हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और जो डिलीशन होगा दैट कैन बी डन फ्रॉम एनी ऑफ द एंड्स, ठीक है। तो डिलीशन आप को दोनों में से कोई भी एंड से कर सकते हो, लेकिन इंसर्शन आप एक ही एंड से करोगे क्योंकि एक एंड से जो इनपुट है वो रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, ओके। सेम आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड के अंदर हम सिर्फ आउटपुट के साथ ये चीज कर रहे होंगे, और आउटपुट का मतलब क्या है, डिलीशन, ठीक है। सो इस टाइप के अंदर क्या है, इनपुट कैन बी टेकन फ्रॉम बोथ द एंड्स, लेकिन जो डिलीशन होगा दैट कैन बी डन फ्रॉम ओनली वन एंड, क्लियर। नाउ सर्क्यूलर क्यू की बात करें तो मैंने आपको बोला है दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू वेयर द लास्ट पोजिशन इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट पोजिशन, दैट इज ओनली मेकिंग इट सर्क्यूलर, राइट। हियर ऑल्सो द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन फीफो ऑर्डर, क्लियर।
अब प्रायोरिटी क्यू की बात करें, सो जो प्रायोरिटी क्यू होता है ना, इट इज अगेन स्पेशल टाइप ऑफ क्यू वेयर द एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी असाइन टू देम. देखो जो दो टाइप्स मैंने आपको बताए, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू और डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू. तो असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में क्या है ना, जो एलिमेंट्स होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी वैल्यूज जो है ना प्रेजेंट होंगे. सिंपल एग्जांपल दूं तो आपके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5. ओके, तो प्रायोरिटी क्या है, बढ़ती जा रही है इंक्रीजिंग फॉर्मेट में. तो ये असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू हो गई. जब मुझे इंसर्ट करना होगा एलिमेंट तो मैं 5 के बाद इंसर्ट करूंगी क्योंकि उसकी जो प्रायोरिटी होगी वो हाई होगी, लेट्स से 6 है ना. और अगर मैं रिमूव करूंगी तो मैं पहले 1 को रिमूव करूंगी, तो वही यहाँ पे लिखा है एलिमेंट्स विद द स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी विल बी पॉप्ड फर्स्ट, है ना. डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू की बात करूं तो इन डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज्ड हैं डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ऑफ देयर प्रायोरिटी वैल्यूज. तो सिंपल एग्जाम्पल 5, 4, 3, 2, 1. तो जो एलिमेंट डिलीट होगा वो कौन सा होगा, पहले 5 होगा, है ना. सो एलिमेंट विद द लार्जेस्ट प्रायोरिटी इज पॉप्ड फर्स्ट. सो ये क्या होगा, ये आपके सिंपल मैंने टाइप्स को ना आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ना. नाउ कम टू बेसिक ऑपरेशंस इन क्यू डेटा स्ट्रक्चर गाइज. तो देखो ये जो है ना, आप एडीटी के अंदर आप एक्सप्लेन करोगे. एडीटी क्वेश्चन अगर आपको आता है, एक्सप्लेन एडीटी ऑफ क्यू, तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इसका मतलब आप सिंपल उसमें ऑपरेशंस जो है वो एक्सप्लेन करोगे. और हाँ, अगर आपको ऑपरेशंस आता है तो उसके अंदर भी सेम चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है. और अगर सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, मतलब एरे से आपको बनाना है, तो वैसे तो मैं कोड इसके अंदर ही आपको बताऊंगी. तो जो थ्योरी पार्ट है वो आप एडीटी के अंदर एक्सप्लेन करोगे. ऑपरेशंस के अंदर अगर कोड मांगा गया है तभी आप कोड लिखोगे, अदरवाइज आप सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोड कंपलसरी लिखोगे. यानी कि 3 टॉपिक्स आपके इनसे कवर हो जाएंगे. तो बेसिक ऑपरेशंस इन क्यू में हमने जो अभी पढ़ा, एनक्यू, डीक्यू, पीक और फ्रंट, रेयर एंड ये सब चीजें, तो यही सब है. देखो एनक्यू को आप कैसे बताओगे, वही एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ क्यू, है ना. डीक्यू मतलब रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द क्यू. पीक और फ्रंट का मतलब क्या है, जो एलिमेंट हमारा फ्रंट में प्रेजेंट है, देखो फ्रंट में, वही हमारा पहले डिलीट होगा, राइट, तो वो हमारा फ्रंट होगा. देन रेयर की बात करें तो रेयर मतलब कि वहीं पे हमारा जो एलिमेंट है वहां पे क्या होगा, इंसर्ट होगा, ठीक है. सो दिस ऑपरेशन रिटर्न्स द एलिमेंट एट द रेयर एंड, यानी कि लास्ट में जो एलिमेंट है वो. इज फुल फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इट वैलिडेट्स इफ द क्यू इज फुल, है ना. इसको हम लिखेंगे एंड जब हमारा क्यू फुल होगा सो इट विल रिटर्न ट्रू टू अस. इज एम्प्टी की बात करें सो दिस विल चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी और नॉट, ठीक है. तो ये एकदम बेसिक ऑपरेशन जो अभी तक आपको आइडिया आ गया होगा उन्हीं को मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एनक्यू ऑपरेशन इन द क्यू डेटा स्ट्रक्चर. सो देखो पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिन स्टेप्स में आपको एनक्यू करना है, ठीक है. फिर आई विल एक्सप्लेन यू बाय दिस डायग्राम्स एंड देन हम जो है ना इसका प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है. सो बहुत ज्यादा सिंपल वे में वी विल डू दिस थिंग. अब एनक्यू ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं तो देखो एनक्यू ऑपरेशन क्या कर रहा है, क्यू में एड कर रहा है एक एलिमेंट को टू द एंड ऑफ द क्यू एंड फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू एनक्यू, यानी कि इंसर्ट इन टू द क्यू. तो अगर स्टेप वन की बात करें तो ये क्या करेगा, पहले तो हमें चेक करना है इंसर्ट करने से पहले कि हमारा क्यू जो है वो कहीं फुल तो नहीं है, है ना. देखो यही स्टेप्स आप कंसीडर करोगे अल्गोरिदम में, क्लियर. तो यही स्टेप्स आप अल्गोरिदम के अंदर लिखोगे. आई एम रिपीटिंग दिस थिंग. नाउ स्टेप टू में हम क्या करेंगे, अगर क्यू फुल होगी तो हम बोल देंगे कि हमारा जो क्यू है वो ओवरफ्लो है एंड एरर दिखा देंगे एंड एग्जिट कर जाएंगे. स्टेप थ्री में अगर हमारा क्यू जो है वो फुल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा रेयर पॉइंटर होगा उसको हमें इंक्रीमेंट करना होगा टू द पॉइंट, टू पॉइंट टू द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस. और उस नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस में हम ऐड कर देंगे हमारा डेटा एलिमेंट, ठीक है, एंड उस रेयर को जो है ना उसके ऊपर पॉइंट करवा देंगे एंड दैट्स इट, हमारी जो क्यू है वो बन गई. देखो बहुत ज्यादा सिंपल वे में आप जाके गीक्स फॉर गीक्स पर भी ये इमेजेस देख सकते हो, मैंने वहीं से ली हैं, तो बहुत ज्यादा सिंपल टू अंडरस्टैंड है, तो आप जाके वहां से भी इनको अच्छे से समझ सकते हो. फर्स्ट स्टेप में देखो अगर हमारे जो क्यू है वो एम्प्टी होगी तो हमारा जो, देखो ग्रीन में हमारा फ्रंट पॉइंटर है और ब्लू रेड में हमारा क्या है, रेयर पॉइंटर है, तो दोनों भी पॉइंटर -1 को पॉइंट कर रहे होंगे. इसका मतलब जो हमारी क्यू है वो एम्प्टी है, ठीक है.
अब यहाँ पर देखो, आपके जो आप जब फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करोगे तो आपका जो क्यू फ्रंट और रेयर है वो क्या करेगा, आपके जीरो आपके जो इंडेक्सिंग बोल लो, आप जो भी आप इसको कह लो, लेकिन आपके जीरो पोजीशन के ऊपर जाके आपका जो फ्रंट और रेयर पॉइंटर्स हैं वो पॉइंट कर रहे होंगे जब आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। अब सेकेंड एलिमेंट जब ऐड होगा तो क्या होगा ना, जो मेरा फ्रंट है वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट करता है, ये मुझे पता है। तो जब तक मेरी पूरी क्यू नहीं हो जाती एट टिल द एंड, मेरा जो फ्रंट है वो मेरे फर्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट करता रहेगा और मेरा जो रेयर है ना वो मेरा आगे आगे बढ़ता रहेगा एज पर आई एम इंसर्टिंग द एलिमेंट्स इन क्यू, ठीक है। तो अब जब मैंने टू को ऐड किया, टू क्या है मेरा सेकेंड एलिमेंट है, तो मेरा यहाँ पे जो है ना ये क्या हो गया, मेरा रेयर आगे बढ़ गया। सिमिलरली जब मैंने थ्री को ऐड किया तो अगेन मेरा रेयर उसको पॉइंट करने लगा। सिमिलरली फोर्थ को मैंने एन क्यू किया तो मेरा जो फोर्थ है यानी कि उसके ऊपर मेरा रेयर पॉइंटर आ गया, एंड सिमिलरली फिफ्थ। तो ऐसे क्या हुआ, ये जो मेरी क्यू है वो फुल हो गई, ठीक है। अब जब हम इसका प्रोग्राम देखें तो देखो क्यू का जब हम एन क्यू करने के लिए फंक्शन लिखते हैं तो बेसिकली पहले हमें उस डेटा को लेना होगा जिस डेटा को हमें डेटा एलिमेंट को एन क्यू करवाना है, मतलब इंसर्ट करवाना है ना। पहले हमें चेक करना है कि हमारी क्यू जो है वो फुल तो नहीं है। तो अगर हमारी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मतलब साइज, ठीक है, साइज ऑफ क्यू, अगर वो साइज ऑफ क्यू जो है वो मेरे इक्वल इक्वल टू रेयर हो गया, राइट, यानी कि जो रेयर है वो हमेशा मुझे पता है लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो अगर फोर पे ये जो है पॉइंट कर रहा है इसका मतलब जो मेरा साइज ऑफ क्यू है वो भी फोर है, राइट। तो देखो यहाँ पर जो कैपेसिटी अगर मेरे रेयर के इक्वल इक्वल हो गई तो मैं बोल दूंगी कि मेरा जो क्यू है वो फुल है ना। अगर ये फुल नहीं है तो मैं क्या लिखूंगी, जो मेरा रेयर है ना उसके अंदर मैं पहले डेटा को ऐड कर दूंगी, ठीक है, और उसके बाद मैं रेयर को इंक्रीमेंट कर दूंगी और फिर लिखवा दूंगी अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो कि एनक्यूड है ना, सिंपल। तो ये होता है आपका प्रोग्राम फॉर एनक्यू, एंड इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डी क्यू ऑपरेशन के लिए अगर देखें तो ये क्या करता है, रिमूव करता है फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, है ना। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स है हमारे पास। स्टेप वन क्या है, हमें चेक करना है कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है, है ना। अगर मुझे उसमें से रिमूव करना है तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि कहीं उसके अंदर कोई, मतलब पहले उसमें कुछ चीजें होनी भी तो चाहिए ताकि मैं उसको रिमूव करूँ, है ना। तो पहले मुझे चेक करना है कि मेरी जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम रिटर्न कर देंगे अंडरफ्लो एरर को और एग्जिट कर देंगे। स्टेप थ्री में हम क्यू को बताएंगे अगर ये एम्प्टी नहीं है तो हम एक्सेस करेंगे द डेटा वेयर द फ्रंट इज पॉइंटिंग, है ना। उसके बाद फ्रंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, और क्योंकि हमें पता है फ्रंट पॉइंटर हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, अगर फर्स्ट एलिमेंट ही रिमूव हो रहा है तो हम उसके नेक्स्ट एलिमेंट को फ्रंट एलिमेंट बना देंगे। तो उसके लिए पहले हमें उसको पॉइंट करवाना होगा टू द नेक्स्ट अवेलेबल डेटा मेंबर और बस रिटर्न कर देना होगा। तो ये हो जाएगा आपका डी क्यू, है ना। फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो इनिशियल स्टेट ऑफ क्यू में हमारा जो फ्रंट और रेयर था, देखो फ्रंट यहाँ पे है और रेयर लास्ट में है ना। तो अगर डी क्यू करेंगे तो हम देखो डी क्यू के लिए पहले जो है, अगर मैं इसको रिमूव कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं इसको फ्रंट को जो है मेरे नेक्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट कर दूंगी और जो मेरा यहाँ पर जो एलिमेंट था वो डी क्यू हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ का टू भी रिमूव करूंगी तो मेरा फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं थ्री रिमूव करूंगी तो मेरा फ्रंट थ्री पे आ जाएगा, और अगर मैं फोर्थ को यहाँ पर थ्री जो फोर्थ था मेरा उसको रिमूव करूंगी तो दोनों भी यहाँ पर आ गए फ्रंट और रेयर, एंड जब सबको रिमूव कर दूंगी तो मेरे फ्रंट और रेयर माइनस वन पे आ जाएंगे, इसका मतलब मेरा क्यू एम्प्टी है ना। अब देखो यहाँ पर देखो ये सारे प्रोग्राम्स आपके बहुत अच्छे से रिवाइज होंगे क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड जब हम कोड करेंगे तब भी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। देखो क्यू के अंदर अगर हम डी क्यू कर रहे हैं तो जस्ट हम क्या करेंगे, हमें चेक करना होगा कि जो हमारा फ्रंट है वो रेयर के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तभी हम उसको क्या मतलब उसको बोलेंगे कि ये एम्प्टी है, ठीक है, क्योंकि जो मेरा फ्रंट है और रेयर है ये कब हमारे हो जाएंगे एम्प्टी, जब ये माइनस वन को पॉइंट कर रहे होंगे दोनों के दोनों, है ना। तब हम रिटर्न करवा देंगे कि ये एम्प्टी है, एल्स में हम दिखा देंगे कि डी क्यू, और डी क्यू क्या होगा, हमारा क्यू का फ्रंट एलिमेंट है ना। और जब हमें इसको क्यू को प्रिंट करवाना तो बेसिकली शिफ्ट करने होंगे हमें सारे एलिमेंट्स टू द लेफ्ट, तो हम यहाँ पर जो है ना ये वाला फॉर लूप चला रहे होंगे ताकि हमारे जो क्यू में एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए और रेयर को हम कर देंगे डिक्रीमेंट, ठीक है। अब फ्रंट ऑपरेशन, फ्रंट ऑपरेशन मतलब क्या, सिंपल हम रिटर्न करवाएंगे कि हमारा जो फ्रंट में है वो कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है, हमें उसको रिमूव नहीं करना है ना इंसर्ट करना है ना कुछ, हमें जस्ट
प्रिंट करवाना है कि फ्रंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो उसके लिए प्रोग्राम देखो, अगर हमारा फ्रंट इक्वल टू रह रहा है, पहले हम एम्प्टी कंडीशन चेक करेंगे और उसके बाद एल्स में लिख देंगे क्या क्यू फ्रंट, ठीक है, क्यू का फ्रंट, सिंपल। अब रेयर ऑपरेशन की बात करें तो वही पहले एम्प्टीनेस हम चेक करेंगे और एल्स में हम रेयर माइनस वन जो है वो प्रिंट कराएंगे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है हमारा जो पॉइंटिंग जो नंबरिंग है, इसीलिए हम रेयर माइनस वन करेंगे, तब जाके हमें जो लास्ट एलिमेंट है वो मिलेगा, ठीक है, रेयर मतलब लास्ट एलिमेंट। अब इस एम्प्टी ऑपरेशन की बात करें तो ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, जस्ट हम एक बुलियन फंक्शन लिखेंगे, जो हम सिंपल लिख रहे होंगे कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं, और सिंपल यही वाला जो लॉजिक है हम उसमें लगा रहे होंगे। और इस फुल ऑपरेशन में हम सिंपल ये फंक्शन लिखेंगे टू इंडिकेट वेदर द क्यू इज फुल और नॉट, ठीक है। तो बस ये हमें लिखना है, देखो ये एम्प्टी के लिए ये रिटर्न अगर कर रहा है तो हम ट्रू बोलेंगे, और अगर ये रिटर्न कर रहा है रेयर इक्वल इक्वल टू साइज तो हम बोल देंगे कि ये है इज फुल। अब जो कंप्लीट प्रोग्राम है वो मैं आपको दिखाती नहीं हूँ, वो मैं आपको कोड करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो कमिंग हियर, अब अपना बॉयलर प्लेट कोड आ गया एंड लेट मी मेक इट, यस। अब आपको क्या करना है, देखो बहुत ज्यादा सिंपल मैं आपको समझाऊंगी ये, ठीक है ना। हमें क्या करना है, पहले हम जो Q की प्रॉपर्टीज है ना उनको डिफाइन कर देते हैं, यानी कि देखो पहले तो मैं ना साइज को डिफाइन कर देती हूँ। लेट से मेरा जो साइज है वो मैं उसको कैपेसिटी बोल रही हूँ, आप चाहो उसको साइज भी बोल सकते हो, ठीक है। लेट से मेरे पास जो Q है उसका साइज है 5, ठीक है, एंड इसको जो है ना मैं कॉन्स्टेंट बना देती हूँ ताकि ये जो कैपेसिटी है ये आगे जाके कहीं पर चेंज नहीं हो, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई मेरे Q की, ठीक है। अब मैं जो है ना क्यू बना रही हूँ तो मैं क्यू को बनाऊंगी एंड उसकी जो कैपेसिटी है वो उसके अंदर मैं ऐसे पास कर दूंगी, ठीक है। जैसे हम सिंपल एरे बनाते हैं ना सेम फॉर्मेट में, ये क्या है एरे है और ये उसका साइज है, एंड मैंने जो उसका साइज है वो पहले से ही बता दिया, ठीक है। तो सेम प्रोग्राम आप किस में लोगे, अगर आपको ऑपरेशंस में कोड लिखना है तो आप ले सकते हो, अगर आपको सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एरे के लिए कोड लिखना है तो आप सेम कोड को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस कोड को अच्छे से ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस यूनिट। तो हमने पहले क्या कर लिया, एक एरे बना लिया जो कि क्यू नाम का है एंड उसमें कैपेसिटी जो कि साइज है मेरे क्यू का उसको पास कर दिया। अब मेरा जो फ्रंट इंडेक्स होगा उसको मैं ट्रैक करना चाह रही हूँ, तो पहले तो मैं उसको बनाती हूँ, तो मेरा ये आ जाएगा फ्रंट एंड वो जो है मेरा पॉइंट करेगा। देखो आप माइनस वन को भी पॉइंट कर सकते हो और आप जीरो को भी पॉइंट कर सकते हो, क्योंकि जो फ्रंट एंड रेयर है वो इनिशियली माइनस वन को पॉइंट करते हैं। अगर हम अगर ग्राफिकली देखें तो आप दोनों भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो को पॉइंट कर रहा है या वन को पॉइंट माइनस वन को पॉइंट कर रहा है। तो अगर आप जीरो से करते हो ना तो आपकी जो आगे नंबरिंग है लाइक साइज उसके अंदर आपको ईजी लगेगा। तो चलिए आप मतलब बेसिकली जैसे हम इनिशियलाइज करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम जीरो से ही इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो हमने फ्रंट और रेयर दोनों भी इंडेक्स को क्या कर लिया, हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमें ना सबसे पहले मैं ना इज एम्प्टी और इज फुल जो हमारे छोटे छोटे फंक्शंस हैं पहले उनको लिख लेते हैं। तो पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे बूल, यानी कि ट्रू या फॉल्स मुझे मिलना चाहिए इसीलिए, तो मैं उसका नाम देती हूँ इज एम्प्टी, ठीक है। एंड इसके अंदर लिखती हूँ ये मुझे कब रिटर्न करेगा ट्रू, जब मेरा जो फ्रंट होगा वो इक्वल इक्वल होगा किसके, रेयर के, ठीक है, इक्वल इक्वल होगा रेयर के, सिंपल ना। तो बस इतना सा फंक्शन हुआ ये हमारा इज एम्प्टी वाला। अब अगर इज फुल की बात करें तो देखो मेरे पास बूल फंक्शन है एंड यहाँ पर है इज फुल फंक्शन मैं क्रिएट कर रही हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैं कब रिटर्न करूंगी कि ये फुल है, तो डेफिनेटली जब मेरा रेयर वो है मेरे इक्वल 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 टू होगा मेरे कैपेसिटी के, ठीक है, यानी कि साइज के, सिंपल। तो मैंने ये दोनों भी जो है ना फंक्शंस यहाँ पे बना लिए, ठीक है। तो मुझे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट करते हैं कि आपके कोड बहुत सिंपल होते हैं, तो वो सिंपल आपको इसलिए लगते हैं कि मैं आपको बहुत ज्यादा सिंपल करके वो बता रही होती हूँ। अगर ये डायरेक्टली आप देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा फोकस करके आप पढ़ोगे तो सबकी तरह आपको कोड्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे एंड प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। इज एम्प्टी और इज फुल फंक्शन तो हमने लिख लिया, अब हम फंक्शन लिखते हैं हमारा एन क्यू फंक्शन, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर void लिखती हूँ एंड जो है ना मुझे एन क्यू फंक्शन बनाना है, तो लेट मी मेक दिस एन क्यू, इसको हम नाम दे देंगे एंड इसके अंदर मैं पास करना चाह रही हूँ डेटा, ठीक है, क्योंकि उसी डेटा को मैं इंसर्ट करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे चेक करना होगा कि मेरी जो क्यू है वो कहीं फुल तो नहीं है, तो मैं इंसर्ट ही नहीं कर पा रही हूँगी, तो इसीलिए मैंने जो है ना ये वाले फंक्शंस पहले लिख दिए ताकि उनको मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज करूँ, ठीक है। तो अगर इफ मैं लिख रही हूँ, अगर ये जो है ना मैं अब इसको कॉल कर लूंगी, ठीक है, क्या मेरा इज फुल फंक्शन,
इस फुल फंक्शन को मैं कॉल कर रही हूँ यहाँ पे, और जब ये ट्रू होगा, ठीक है, इफ में मतलब ये ट्रू होगा तो मैं सिंपल क्या कर दूंगी, मैं सी आउट करवा दूंगी। क्या सी आउट करवाऊंगी, यहाँ पर स्लैश एन दे देते हैं फॉर कमिंग ऑन नेक्स्ट लाइन, एंड यहाँ पर जो है मैं प्रिंट करवा दूंगी जो मेरा क्यू है वो क्या है, फुल है, ठीक है, सिंपल, एंड इसके बाद भी स्लैश एन, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज करते हुए चलते हैं, क्लियर। सो आई होप समझ में आ गया होगा। बेसिकली चलिए यहाँ पर एंड एल नहीं लिखना है, तो ये जो है इसको ऐसे ला लेते हैं, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद क्या कर देंगे, सिंपल रिटर्न करवा देंगे इसको। लेकिन क्या है ना, अगर ये एल्स में आ जाता है यानी कि फॉल्स हो जाता है, तो मैं एल्स कंडीशन के अंदर क्या लिखती हूँ, अगर फुल नहीं है मेरा क्यू, तो सिंपल मुझे जो मेरा रेयर है उसमें मुझे क्या कर देना है, जो मेरा रेयर है उसके अंदर मुझे उस डेटा को ऐड कर देना है, ठीक है। तो सिंपल डेटा को मैं असाइन कर दे रही हूँ मेरे क्यू के रेयर में, है ना, और मेरा जो रेयर है वो मैं कर दे रही हूँ इंक्रीमेंट, है ना, क्योंकि मेरा रेयर अब वो डेटा बन जाएगा, है ना। और सिंपल अब मैं सी आउट क्या करवा दूंगी, सी आउट करवा दूंगी क्या, एनक्यूड, है ना, एनक्यूड, और क्या डेटा एनक्यू हुआ है वो भी जो है ना हम यहाँ पे पास करवा देंगे, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका एंडल, ठीक है। ये डेटा वही है ना जो कि मैंने यहाँ पर दिया था, सिंपल। तो बस यही आपका है पूरा का पूरा एनक्यू फंक्शन, है ना, सिंपल, है ना। जैसे हम स्टैक के अंदर हमने देखा इतना सिंपली, वैसे ही आपने ये देखना है, एंड आप फंक्शन फंक्शन वाइज पढ़ोगे तो आपको बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा ना। एन क्यू फंक्शन हमने जो है समझ लिया। अब सिमिलर पैटर्न में हम देखेंगे डी क्यू फंक्शन को, ठीक है, डी क्यू फंक्शन को। तो डी क्यू फंक्शन के अंदर हमें कोई डेटा पास नहीं करना है, कोई एलिमेंट पास नहीं करना है, क्योंकि डी क्यू के अंदर उसे पता है कि उसे जो फ्रंट है उसको ही डिलीट करना है ना। तो पहले तो हम देख लेंगे कि क्या ये एम्प्टी तो नहीं है, है ना। तो मैं क्या कर लेती हूँ, चलो जाने तो लिख ही लेते हैं, इफ, एंड यहाँ पर लिखते हैं इज एम्प्टी, अगर मेरा है ये जो मेरा फंक्शन है वो अगर ट्रू होता है तो सिंपल मैं यहाँ पे सी आउट करवा दूंगी, एंड स्लैश एन, यहाँ पे मैं क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, ये प्रिंट करवा दूंगी, एंड यहाँ पर भी आ जाएगा मेरा एंडल, ठीक है, एंड सिंपली रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एल्स में अगर ये एम्प्टी नहीं है तो मैं क्या करवाऊंगी, सिंपल मैं सी आउट करवा दूंगी, ठीक है, क्या सिंपल सी आउट करवाऊंगी मैं डी क्यूड, है ना, डी क्यूड, एंड क्या पास करूंगी, देखो ये चीज मेन है, क्यू का फ्रंट, ठीक है, जैसे हम एरे से डील करते हैं बस वैसे ही हमें डील करना है, जस्ट लॉजिक जो है हमें क्यू का लगाना है, है ना। अब जो है ये तो हमने प्रिंट करवा दिया, लेकिन हमें जो है ना सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट में भी तो शिफ्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगी जो मैंने अभी आपको बताया था, इंट आई इक्वल टू जीरो, ठीक है, आई जो है वो मेरा लेस देन क्या होगा, रेयर माइनस वन होगा, ठीक है, रेयर माइनस वन, क्योंकि जीरो से जो है हमारी जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट हो रही है, एंड आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगी, जो क्यू का आई है, ठीक है, उसको इक्वल कर दूंगी मैं क्यू, क्योंकि मुझे लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगी आई प्लस वन, ठीक है ना। सो ये जो है मैंने यहाँ पर कर दिया, एंड गिविंग सेमी कॉलन, एंड इसके बाद बस लास्ट में मुझे क्या कर देना है, मेरा जो रेयर है ना पॉइंटर उसको डिक्रीमेंट कर देना है, सिंपल, क्योंकि डी क्यू हुआ है तो रेयर में जो डी क्यू हुआ है मेरा फ्रंट एलिमेंट उसको मुझे जो है पहले अब रेयर को भी माइनस माइनस करना होगा, तो ये जो है ना ये मेरी हो गई शिफ्टिंग टू लेफ्ट, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा एन क्यू फंक्शन और डी क्यू फंक्शन। सो यस, अब हमने अब आगे बढ़ते हैं, अब जो है हमें फ्रंट ऑपरेशन करना और रेयर, यानी कि फ्रंट और रेयर एलिमेंट अगर हमें प्रिंट करवाने हैं तो, ठीक है, तो सिंपल हम एक फंक्शन लिखेंगे void, एंड लेट से मैं उसका नाम देती हूँ क्यू का फ्रंट, है ना, सिंपल, एंड जस्ट इसके अंदर हम पहले तो देख लेंगे कि क्या ये एम्प्टी तो नहीं है। देखो ये जो है ना, ये आप बोलोगे कि क्यों बार बार एम्प्टी फुल ये जो है ना चेक किया जा रहा है गाइस, तो देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लाइक हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं या इंटरव्यूज में बैठ रहे हैं, तो ये एज केसेस होती हैं जो कि चेक करी जाती हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपके ये एल्गोरिदम में भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप हमेशा लिखना। तो पहले हमें चेक करना होगा कि ये एम्प्टी तो नहीं है, अगर ये एम्प्टी है तो हम सी आउट क्या करवा देंगे कि क्यू जो है वो हमारा एम्प्टी है, ठीक है, यस क्यू इज एम्प्टी, है ना, सिंपली, यस एंड एल, ओके, ये मैंने करवा दिया। अब एल्स में जो है मैं प्रिंट करवा दूंगी क्या, एल्स में, यानी कि अगर एम्प्टी नहीं है तो मैं सी आउट करवाऊंगी मेरा फ्रंट एलिमेंट क्या है, फ्रंट एलिमेंट, है ना, एंड इधर मैं पास क्या करूंगी, सिंपल क्यू का फ्रंट, है ना, क्यू का फ्रंट पास कर दूंगी, एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा
एंड एल, ठीक है, बस सिंपल ये है। तो ये आपका पूरा का पूरा कोड हो गया फॉर क्यू फ्रंट। मैं क्या करती हूँ, इसी को कॉपी करती हूँ एंड जो है ना क्यू रेयर के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमें जो है कुछ चेंजेस यहाँ पे करनी होंगी। यहाँ पर इसका मैं नाम दूंगी रेयर, है ना, एंड मुझे यहाँ पर इज एम्प्टी की जगह मुझे चेक करना होगा इज फुल, ठीक है, इज फुल को चेक करना होगा एंड यहाँ पर लिखना होगा फुल, अगर ये फुल है तो। एंड जो है ना मेरा रेयर एलिमेंट आएगा, और रेयर एलिमेंट में क्या दिखा रही होंगी मुझे बताओ, यहाँ पर फ्रंट नहीं रेयर माइनस वन आएगा, तब जाके मुझे जो है ना मेरा रेयर एलिमेंट यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्यू रेयर के लिए हमने पूरा का पूरा फंक्शन लिख लिया। तो चलिए सारे जो ऑपरेशंस है वो हमने कर लिए, एन क्यू डी क्यू क्यू फ्रंट क्यू रेयर हमने कर लिया। अब जो है ना हमें डिस्प्ले करवाना तो है, तो डिस्प्ले के लिए क्या है हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो सिंपल मैं डिस्प्ले के लिए यहाँ पे फंक्शन लिखती हूँ, एंड इसके लिए भी हमें पहले चेक करना होगा क्या कि हमारा जो क्यू है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ ना, कॉपी कर लेती हूँ ये इज एम्प्टी वाला और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो क्यू है वो मेरी एम्प्टी है, ये इस केस में इसमें समझ में आ जाएगा कि यस, इसको मैं निकाल देती हूँ एक लाइन को। अब यहाँ पर जो है ना अब एम्प्टी नहीं होगी, तो मैं सिंपल क्या करवा दूंगी, मैं यहाँ पे सी आउट करवा दूंगी क्या मेरे क्यू के एलिमेंट्स, ठीक है, क्यू के एलिमेंट्स। तो सिंपल यहाँ पे फॉर लूप लगेगा हमारा, एंड फॉर लूप जो है वो कहाँ से चलेगा गाइज मुझे बताओ, फ्रंट से चलेगा, है ना, एंड फ्रंट से चलेगा और कहाँ तक चलेगा, रेयर तक चलेगा, ठीक है, रेयर तक चलेगा और आई प्लस प्लस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आई प्लस प्लस। और इसके अंदर मैं जो है सी आउट करवा दूंगी मेरे क्यू के। आपका अगर एरेज का टॉपिक क्लियर होगा गाइस तो बहुत अच्छा होगा, आपको जो है यहाँ पे ये सब चीजें मिल जाएंगी, मतलब समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर आपको स्पेस चाहिए होगी एंडल नहीं, एंड इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पर एंडल लिख देंगे, ठीक है, सिंपल। तो बस ये जो कोड है ये हमने लिख लिया फॉर डिस्प्लेइंग, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर अब जो है ना आपको बहुत अच्छे से समझना है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि आपको कैसे इसके अंदर जो है ना एन क्यू फंक्शन और डी क्यू फंक्शन दिखाना होगा। पहले हम देखेंगे एलिमेंट्स को एड करके, तो पहले तो मेरा जो एन क्यू फंक्शन है वो क्या है मेरा, हमने डायरेक्टली एन क्यू दिया हुआ है ना, तो मैं सिंपली क्या करूंगी यहाँ पर एन क्यू फंक्शन को कॉल करूंगी, एंड उसके अंदर कोई डेटा लेट से 10 है मेरे पास, है ना, ये मैंने क्या कर लिया एन क्यू। इसके बाद मेरी कैपेसिटी क्या है 5 है, राइट, तो इसके बाद मैं दे देती हूँ 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो मैंने ये 50 यानी कि 5 एलिमेंट्स बेसिकली दे दिए। अब जब मैं इसको ना इसके अंदर अब जब मैं चेक करूंगी क्या इफ इफ इज फुल, है ना, तो अब मुझे बताओ फुल तो हो गया है, राइट, तो फुल तो हो गया है। अब यहाँ पर मैं अगर चेक करूंगी सी आउट करवा दूंगी क्या, अगर ये ट्रू होगा तो मैं सिंपली यहाँ पे सी आउट करवाऊंगी क्या क्यू इज नाउ फुल, है ना, क्यू इज नाउ फुल, ओके। सो बस इसको जो है मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगी, एंड बस, एंड इसके बाद जो है पहले मुझे इसको डिस्प्ले करवाना होगा, इसके बाद तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगी, डिस्प्ले सिंपल हमारा फंक्शन हम कॉल कर लेंगे, है ना। उसके बाद देखो अगर मैं इतना करके देखूँ तो मुझे बताओ मेरे पास क्या आ जाएगी, ये मेरी जो पूरी क्यू है वो मुझे यहाँ पर दिख जाएगी, लेट मी रन एंड सी। तो यस, देखो मेरे पास क्या आया, पहले एन क्यू 10, 20, 30, 40, 50, और फिर क्या आया कि क्यू जो है वो फुल है और जो मेरे क्यू के एलिमेंट्स हैं वो करेक्टली मेरे पास प्रिंट होके आ गए हैं। तो एन क्यू फंक्शन हमारा करेक्ट वर्क कर रहा है, डिस्प्ले फंक्शन और फुल फंक्शन इज फुल फंक्शन भी हमारा करेक्ट जो है वो वर्क कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रंट और रेयर एलिमेंट्स को जो है यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं। तो ये जो क्यू फ्रंट है इसको मैं कॉल करती हूँ, और जो मेरा क्यू क्यू रेयर है इसको मैं जो है ना कॉल करती हूँ। तो बताओ मेरे पास कि इसके बाद मेरे पास आना चाहिए फ्रंट, और फ्रंट क्या है मेरा मुझे बताओ, फ्रंट है मेरा 10, है ना, और जो मेरा रेयर है वो क्या है, रेयर है मेरा 50, है ना। तो ये हो आ जाएंगे मेरे पास प्रिंट होके। अब मैं क्या करूंगी ना, रिमूव करूंगी कुछ एलिमेंट्स को, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है डी क्यू फंक्शन, डी क्यू फंक्शन को मैं यहाँ पे जो है ना कॉल कर लेती हूँ, एंड सिंपल इसको कॉल कर लेंगे तो मेरा जो कौन सा बताओ, मेरा 10 जो है वो रिमूव हो जाएगा। एंड सिंपली अगर मैं इसको वापस से कॉल करती हूँ, ठीक है, और तो मुझे बताओ कि क्या क्या डिलीट होगा, तो 20 जो है वो डिलीट होगा, है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं ना, इज एम्प्टी को भी अगर हमें चेक करना होगा हम सिंपली वैसे ही चेक कर सकते हैं कि एम्प्टी हुआ है या नहीं हुआ है। तो बेसिकली इफ इफ के अंदर हम लिखते हैं क्या इज एम्प्टी, है ना, इज एम्प्टी,
और यहाँ पर लिखेंगे क्या, अगर एम्प्टी होगा तो सिंपली यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे कि जो हमारा क्यू है इज नाउ एम्प्टी, है ना, इज नाउ एम्प्टी, सिंपल एंड एंडल आ जाएगा इसके बाद। एंड अगर ये नहीं है, मतलब एम्प्टी नहीं है, तो हम सी आउट क्या करवा देंगे कि जो हमारा क्यू है इट इज नॉट एम्प्टी, है ना, इट इज नॉट एम्प्टी, सिंपल। एंड बस इसके बाद आ जाएगा हमारा एंडल एंड सिंपल, है ना, इसके इसके बाद भी हम स्लैश एंड लिख देते हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा मेरा इज एम्प्टी के लिए मैंने चेक लगा दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, वापस से मेरा जो डिस्प्ले फंक्शन है उसको कॉल करूँगी, एंड उसके बाद अगेन मैं जो है ना मेरा क्यू फ्रंट को कॉल करूँगी, ताकि अब जो मेरा फ्रंट है वो मुझे पता चल जाए और जो मेरा क्यू का जो रेयर है वो अब क्या है वो मुझे पता चल जाए, सिंपल। एंड जो हमारा कोड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो चलो देखते हैं रन करके, यहाँ पे देखो क्या है, एनक्यूड में 10, 20 ये 50 हमने देख लिया था और क्यू जो है वो हमारी फुल हो गई थी। अब हम क्यू के अंदर एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, हमने डिस्प्ले करवा दिया। मुझे बताओ फ्रंट एलिमेंट क्या आया मेरा, 10 आया, और उसके बाद क्या आया, क्यू इज फुल, है ना, फ्रंट एलिमेंट 10 आया और क्यू इज फुल आया। उसके बाद डी क्यू हमने किया, किसको डी क्यू किया, तो पहले 10 चला गया और डी क्यू किया फिर 20 चला गया, तो मेरी अब क्यू जो है वो अभी एम्प्टी नहीं है, ठीक है, जो हमने लिखा था। अब जो क्यू एलिमेंट्स को हम देखेंगे तो वो क्या है, 30, 40, 50 बचे, तो अब जो फ्रंट है वो मेरा 30 हो गया और जो रेयर है वो मेरा एलिमेंट 50 बचा, सिंपल ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर जो है मेरा रेयर प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पर जो है मेरा रेयर क्यू रेयर ओके प्रिंट ओके, ठीक है। चलो यहाँ पर जो है ये पूरा हमने जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कम्प्लीटली देख लिया। एंड यही प्रोग्राम आपको जो है आगे सारे के सारे, लाइक आपको अगर सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन पे आता है क्वेश्चन, अगर आपको ऑपरेशंस पे आता है, अगर आपको एडीटी के लिए आता है, तो डेफिनेटली यू हैव टू एक्सप्लेन दिस कोड। एंड अगर प्रोग्राम लिखने आएगा तो डेफिनेटली आप ये कोड लिख लोगे, आई गारंटी यू। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो हमारे पास ये सब चीजें जो है हमने देख ली, कम्प्लीट प्रोग्राम मैंने आपको करके दिखा दिया विद आउटपुट। ओके नाउ नेक्स्ट जो है वो है हमारा सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू क्यू एडवांटेजेस है ये मैंने आपको बताया है, ठीक है, चलो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। जो सर्कुलर क्यू है ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट ओवरकम्स द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल सिक्वेंशियल क्यू, है ना। मैंने क्या बोला था कि इसकी जो लिमिटेशंस है ऑफ कोर्स वो ओवरकम करता है बाय ट्रीटिंग द एरे एज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। दिस मींस जो लास्ट पोजीशन है हमारे क्यू की वो कनेक्ट रहती है हमारे फर्स्ट पोजीशन से। देखो फ्रंट और रेयर कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, सो सर्कुलर क्यूज आर ऑल्सो नोन एज रिंग बफर्स, ठीक है। तो अगर रिंग बफर्स आपको आता है तो वो कुछ भी नहीं है, सर्कुलर क्यू ही है। आप चाहो तो ये ऐसा बना के दिखा सकते हो, ये कुछ नहीं एक सिंपल एरे है जिसके जो फ्रंट और रेयर है उसको ज्वाइन कर दिया गया है, तो ये सर्कुलर क्यू जो है वो बन गया है। इसके कुछ की फीचर्स हैं जो कि सर्कुलर नेचर है, तो ये क्या करता है, एरे को रैप कर लेता है अराउंड व्हेन इट रीचेस द एंड, तो ये यूटिलाइज कर लेता है जो अनयूज्ड स्पेसेस हैं वो, जो कि लिमिटेशन थी हमारे सिंपल और डबल एंडेड क्यू की। इसीलिए हमने क्या किया, इसको अच्छे से समझा, एंड डेफिनेटली आपको अच्छे समझ में आया होगा कि यहाँ पर मैंने जो आपको लिमिटेशंस बताई थी सर्कुलर क्यू की तो वो क्या थी, ठीक है। तो ये जो अनयूज्ड स्पेसेस है उनको यूटिलाइज करता है। अब एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस अलाउज रीयूजिंग द स्पेस लेफ्ट बाय द डीक्यूड एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स डीक्यू हो जाते हैं, जो डिलीट हो जाते हैं, उनकी जो स्पेस है वो हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए सर्कुलर क्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगेन फ्रंट और रेयर पॉइंटर्स का वही काम है, क्यू जो है वो एम्प्टी होगी तो फ्रंट को -1 हम दिखाएंगे, एंड क्यू अगर फुल होगी तो हम क्या करेंगे, रेयर +1 मॉड्यूलो कैपेसिटी अगर करेंगे तो वो फ्रंट के इक्वल आएगा, तभी हम बोलेंगे कि ये क्या है, फुल है, ठीक है। कुछ एडवांटेजेस हैं, देखो आपको एडवांटेजेस ऑफ क्यू सर्कुलर क्यू जो है वो क्वेश्चन आता है, सिंपल ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब चीजों को एक्सप्लेन करना है। पहले तो स्पेस यूटिलाइजेशन ही आप एक्सप्लेन करोगे, फिर अवॉइड्स ओवरफ्लो, क्योंकि ओवरफ्लो हो ही नहीं सकता है ना, तो इट इफ देयर इज अ स्टिल स्पेस लेफ्ट इन द क्यू ड्यू टू सर्कुलर अरेंजमेंट, है ना। फिक्स्ड साइज की बात करें तो वर्क्स वेल विद सिनेरियोस वेयर द क्यू साइज इज प्री डिटरमाइंड, तो ऑफ कोर्स साइज जो होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है क्यूज का।
applications widely used in scheduling processes, buffering data stream scenarios, whereas FIFO structure is needed with a limited space. Okay, ये कुछ और advantages हैं उसके program की. So ये real life examples वगैरह I have explained. ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो है ये पूरा का पूरा कोड है. ये अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो देखो मैं यही कोड जो है मैं आपको लिख के भी दिखा सकती हूँ. देखो आपका यहाँ पे टाइम सेव होगा. हम पहले क्या कर रहे हैं, साइज को जो है ना सर्कुलर क्यू के यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं. उसके बाद एरे का जैसे हमने अभी कैपेसिटी के साथ किया, सेम वैसे ही हमने एक एरे बनाया टू स्टोर एलिमेंट्स ऑफ क्यू. फ्रंट और रेयर को अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस वन को इनिशियलाइज कर रहे हैं. अब हमें चेक करना है कि हमारा क्यू एम्प्टी है क्या. तो एम्प्टी है तो उसके लिए हमने बूल इज एम्प्टी फंक्शन लिखा और वो ट्रू कब मुझे रिटर्न करेगा, जब मेरा जो फ्रंट होगा वो माइनस वन पे होगा. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जब फ्रंट जो है मेरा माइनस वन पे तभी होता है जब मेरी एम्प्टी होती है क्यू, है ना. अगर क्यू में एक भी एलिमेंट होगा तो मेरा फ्रंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को जो है वो पॉइंट कर रहा होता है. अब क्यू इज फुल वाला जो फंक्शन है वो कब होगा, देखो ये जो है हमें याद रखना है. ठीक है, रेयर प्लस वन मॉड्यूलो साइज इक्वल टू फ्रंट. ये कैसे आता है ये आप ड्राई रन करके जरूर देखना, बाकी आप याद भी रख सकते हो फॉर एग्जाम पर्पज. लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग में अच्छे होना चाहते हो ना तो प्लीज प्लीज ये जो है ना इसको आप ड्राई रन करके देखना. रेयर प्लस वन मॉड्यूलो साइज जब आपको फ्रंट मिलता है तभी आप बोलोगे कि क्या है ये इज फुल फंक्शन जो है वो आप मतलब फुल जो है वो आपकी क्यू है तो आपका इस फुल फंक्शन जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा. बस इसको जो है ना आप एक बार ड्राई रन करके देखना. मॉड्यूलो पता है ना कैसे वर्क करता है गाइस, तो जस्ट स्टॉप दिस वीडियो नाउ एंड आप अपने पेन पेपर के ऊपर क्या करो, सिंपल आप रन करके देखो इसको, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये. अदरवाइज एनक्यू कैसे करेंगे इस केस के अंदर, तो हमेशा ये जो कंडीशन है ये फॉर फुल कंडीशन चेक करने के लिए करते हैं, ये भी याद रखना. एनक्यू जो है इसमें पहले हम डेटा लेंगे जो इंसर्ट करना है, पहले चेक करेंगे कि हमारा जो क्यू है वो फुल है या नहीं और एम्प्टी है या नहीं. ठीक है, देन हम क्या करेंगे डायरेक्टली रेयर के अंदर जो है डेटा को पास कर देंगे एंड सिंपल वैसे ही एनक्यूड जो है ना डेटा दिखा रहे होंगे. डी क्यू ऑपरेशन में भी वही सेम चीजें करनी है ना, बस हमने एक कंडीशन ऐड क्या करनी है, जो फ्रंट है वो हमारा इक्वल टू रेयर है तो जस्ट हमें रीसेट करना है क्यू को अगर वो एम्प्टी है तो. ठीक है, तो ये कंडीशन जस्ट हमें इसके अंदर ऐड करनी है. देखा है ना यहाँ पर भी फ्रंट और रेयर को हमें जीरो को इनिशियलाइज कर देना है अगर एम्प्टी है तो, और नहीं है तो हमें लास्ट एलिमेंट के अंदर उसको ऐड कर देना है. ठीक है, तो जस्ट ये कंडीशन जो है ऐड हो गई एंड हमारा पूरा का पूरा जो क्यू का ऑपरेशन है वो सेम टू सेम है ना. तो बस फ्रंट इज इक्वल टू रेयर है, बस यही कंडीशन हमें चेक करनी है एंड अगर एम्प्टी आता है तो हम बोल देंगे क्या कि जो फ्रंट और रेयर है वो उसको इनिशियलाइज कर दो माइनस वन को, क्योंकि हमें वापस से उस स्पेस को क्या करना है, रीयूज करना है. और एल्स में हम क्या कर देंगे, जब हमारा जो फ्रंट है उसको हम फ्रंट प्लस वन मॉड्यूलो साइज कर देंगे. ठीक है, तो वैसे तो इसका कोड नहीं आता है सर्कुलर क्यू का, जस्ट आपको पूछा जाता है कि इसके एडवांटेजेस क्या है एंड ज्यादा से ज्यादा हुआ तो आपको इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे. कोड जो है वो बहुत मुश्किल से है ना आएगा, मतलब 1%, लेकिन अगर फिर भी आता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. टू द एंड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करना यहाँ पे चाह रही हूँ. ठीक है, देन अगर हमें इसको डिस्प्ले करना है तो बस वही हम डिस्प्ले क्यू लिखेंगे, पहले देखेंगे एम्प्टी है या नहीं और एलिमेंट्स को हम जो है प्रिंट करवाएंगे. तो पहले तो आई को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं फ्रंट से और वाइल लूप लगा के, हम फॉर लूप भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट यहाँ पर क्यू आई जो है हमने प्रिंट करवा दिया, ये हमें क्यू करना है वाइल लूप को पहले, क्योंकि ये एक बार चल जाए है ना, क्योंकि हमारा जो फ्रंट और रेयर है वो स्टार्टिंग में भी माइनस वन होते हैं यानी इक्वल होते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि हमारा डिस्प्ले फंक्शन ही ना हो, है ना. इफ हमारा जो आई है वो इक्वल टू रेयर हो जाए, यानी जो फ्रंट है वो रेयर के इक्वल हो जाए अब नेक्स्ट टाइम, तो जो है हमारा ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, एंड देन आई को हम क्या करेंगे, आई प्लस वन मॉड्यूलो साइज करेंगे एंड जस्ट सी आउट कर देंगे एंडल को. अब मेन फंक्शन में ये हम एनक्यू करवा रहे हैं और अगर हमें एनक्यू करना है 60 को तो हम एनक्यू नहीं करवा पाएंगे. ठीक है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पर क्यू इज फुल ये जो है हमारे पास लिख के आ जाएगा एंड क्यू एलिमेंट्स अगर हम डी क्यू करेंगे तो 10-20 रिमूव हो जाएंगे एंड 30-40-50 हमें मिल रहे होंगे. अब अगर हम 60-70 को ऐड करेंगे तो 60-70 जो है वो मुझे आगे मिल जाएंगे. ठीक है, ये जो कंडीशन है 60-70 आगे प्रिंट करवाने की ये हमारे सिंपल क्यू में नहीं होती. ठीक है, सो दैट्स इट, आई होप समझ में आया होगा. एनक्यू जो है ये ऐड करता है एलिमेंट्स को इन सर्क्यूलर मैनर, डी क्यू रिमूव करता है और रीसेट कर देता है पॉइंटर्स को व्हेन एम्प्टी.
इज फुल इज एम्प्टी जो फंक्शन है वो एफिशिएंटली मैनेज करता है कंडीशंस को फॉर क्यू ऑपरेशंस. डिस्प्ले क्यू का फंक्शन जो है वो हम यूज करेंगे ट्रैवर्सेस सर्कुलरली टू प्रिंट ऑल एलिमेंट्स. ठीक है, अब सर्कुलर क्यू का आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा. स्टूडेंट्स जस्ट ये जो है ना इनके ये जो मतलब स्टेटमेंट्स हैं जस्ट इनसे डर जाते हैं एंड इसको पूरा गिव अप कर देते हैं. आई डोंट थिंक सो वाई. लेकिन आप जब इसको ड्राई रन करोगे एंड जब आप चेक करोगे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि इट इज ट्रू है ना. एंड डेफिनेटली जब आप उसको ड्राई रन करोगे तो ये जो है डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपके जो है ना दिमाग में बैठ जाएगा. ठीक है, तो ये था आपका सर्क्यूलर क्यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मल्टी क्यू. सो इफ वी टॉक अबाउट मल्टी क्यू, तो मल्टी क्यू के अंदर क्या होता है ना, हम एक ही साथ बहुत सारी लाइक मोर देन वन टू जो है ना क्यूज डिफाइन करते हैं और हमें जिस क्यू के अंदर एलिमेंट्स ऐड करने हैं हम उस क्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं. तो ऐसा मल्टी क्यू को हम डिजाइन करते हैं. ठीक है, सो जो मल्टी क्यू है ये एक एक्सटेंशन है ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर वेयर मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्यूज आर इम्प्लीमेंटेड विद इन द सेम मेमोरी स्पेस. ठीक है, एक ही मेमोरी स्पेस के अंदर हम मोर देन वन क्यूज को जो है ना इंडिपेंडेंट क्यूज को मतलब एक्सटेंशन एज एन एक्सटेंशन हम उनको बना रहे होते हैं. ठीक है, सो दिस कैन बी यूजफुल व्हेन मैनेजिंग मल्टीपल क्यूज साइमल्टेनियसली फॉर डिफरेंट टास्क और कैटेगरीज. ठीक है, तो अगर हमें एक ही साथ मल्टीपल टास्क अगर मैनेज करने हैं रिलेटेड टू क्यू तो हम मल्टी क्यूज का जो है ना यूज करते हैं. एप्लीकेशंस देखो जो कि मल्टी क्यूज पे काम करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं. टास्क शेड्यूलिंग, ठीक है, अगर हमें अलग अलग टास्क शेड्यूल करना है ना, टू डू लिस्ट हमें बनानी है तो हम मल्टी क्यूज का यूज करते हैं. ये क्या करता है, सेपरेट क्यूज फॉर डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल्स है ना. फिर रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजिंग मल्टीपल प्रोसेसेस और थ्रेड्स है ना. सिमुलेशन सिस्टम, सेपरेट क्यूज फॉर डिफरेंट सिमुलेशन एंटिटीज. तो बेसिकली मल्टी क्यूज के बहुत ज्यादा जो है ना हमारे पास एप्लीकेशन है. टाइप्स की बात करें तो फिक्स्ड और डायनामिक. फिक्स्ड पार्टीशन मल्टी क्यू होता है, डायनामिक पार्टीशन मल्टी क्यू होता है. देखो ये इंफॉर्मेशन आपके जो है ना ये आपकी इंपॉर्टेंट है एंड मतलब इतना ज्यादा डीप में आपको है नहीं, लेकिन आपको जब शॉर्ट नोट आता है तो अगर आपके पास माइंड में होगा कि हाँ मुझे टाइप्स ऑफ मल्टी क्यूज पता है, मुझे एप्लीकेशंस पता है, एडवांटेजेस पता है, तो आप इजीली शॉर्ट नोट लिख सकते हो है ना. एंड ज्यादातर आपको शॉर्ट नोट ही आता है सर्कुलर क्यू पे या मल्टी क्यू पे. स्टिल आई एम गिविंग यू प्रोग्राम्स सो आई एम मेकिंग यू मतलब आपको आगे की जो है ना चीजें वो अच्छे से समझ में आएंगी क्योंकि मैंने जैसे बोला है वी आर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स राइट. तो FDS तो बेसिक है हमारा, तो इसका जो है ना हर चीज हमें जो है अच्छे से समझनी है. तो बेसिकली इसीलिए मैं सारे जो टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ. अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना सही है, आप DSA को समझने के लिए भी अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छे से ये लेक्चर्स आपके लिए बिल्डअप है. तो टाइप्स ऑफ मल्टी क्यूज में मैंने आपको बोला फिक्स्ड पार्टीशन मल्टी क्यू होता है और डायनामिक. तो फिक्स्ड के अंदर क्या है, जो हमारी मेमोरी है वो फिक्स्ड होती है और हर क्यू की जो मेमोरी है वो फिक्स्ड होती है. डायनामिक की बात करें तो मेमोरी की जो है वो डायनामिकली एलोकेट की जाती है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच क्यू. तो मैंने आपको बताया है डायनामिक का मतलब क्या होता है, ये हर बार मैं आपको बताती हूँ कि जो साइज है, लेट्स से अगर मुझे दो ऐड करने हैं, मैंने दो ऐड कर दिए तो उसका साइज दो हो गया, अगर मैंने और एक ऐड कर दिया तो उसका साइज थ्री हो गया. तो बेसिकली हम जितने ऐड कर रहे हैं उस हिसाब से डायनामिकली जो है ना साइज वो बन रहा है, उसकी मेमोरी एलोकेट हो रही है. तो हर क्यू को मेमोरी एलोकेट अगर डायनामिकली हो रही होती है तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक पार्टीशन मल्टी क्यू. और अगर फिक्स्ड मेमोरी एलोकेट करी दी है हमने हर ईच क्यू को तो बेसिकली उसको हम फिक्स्ड पार्टीशन मल्टी क्यू बोल रहे होते हैं. एडवांटेजेस की बात करें मल्टी क्यूज के, तो फर्स्ट एफिशिएंट मेमोरी यूजेज व्हेन इम्प्लीमेंटेड डायनामिकली है ना. डायनामिकली अगर हम बनाते हैं ना तो मल्टी क्यूज आर द बेस्ट थिंग. ठीक है, फिर अलाउज बेटर टास्क सेग्रीगेशन, हम टास्क को अच्छे से सेपरेट आउट डिवाइड करके लेकिन एक साथ उसको कर सकते हैं. सिंप्लीफाइज द मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल फीफो क्यूज इन अ सिंगल सिस्टम. अब देखो ये है कोड उसका, ठीक है, तो आप चाहो तो देखो इसको कोड को करके भी देख सकते हो, परफेक्टली ये कोड आपके लिए रन करेगा. एंड मैं ये वाले भी जो नोट्स हैं आपको अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे डेफिनेटली, और वहां पर ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड हैं. तो अगर आपको एल्गोरिदम स्यूडो कोड्स पढ़ने हैं आप वहां से पढ़ लो और प्रोग्राम्स आप इस पर्टिकुलर PDF से ले सकते हो. ठीक है, चल यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम जो है ना क्यूज कितनी हमें बनानी है पहले वो मैंने डिफाइन कर दिया. जैसे कि यहाँ पर मैंने तीन क्यूज मुझे एक साथ इम्प्लीमेंट करनी है और हर एक का जो साइज है वो मैंने दे दिया 5. ठीक है, तो ये क्या, कौन से टाइप का मल्टी क्यू हो गया,
फिक्स्ड पार्टीशन टाइप का मल्टी क्यू हो गया। अब मैं क्या करूंगी, दो, मतलब जैसे कि यहाँ पर हम जैसे मैट्रिक्स में कर रहे होते हैं ना, तो ये यहाँ पर भी हमें 2D एरे से डील करना है। मैक्स क्यूज और साइज जो है हम यहाँ पर देंगे। अब जो फ्रंट का मैक्स क्यू होगा, फ्रंट के मैक्स क्यू हम दे देंगे -1 -1 -1, यानी कि तीनों के तीनों क्यूज जो है वो फ्रंट पॉइंटर्स जो मतलब उसके जो फ्रंट पॉइंटर्स है वो -1 को पॉइंट कर रहे होंगे, एंड जो रेयर है वो भी तीनों के तीनों -1 को रेयर कर रहे होंगे, इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या किया -1। तो बेसिकली यहाँ पर कौन सा टॉपिक लग रहा है, 2D अरेज का, जिसमें हमने मैट्रिक्स पढ़ा था गाइस, तो बस वही लग रहा है। अब एम्प्टी है अगर चेक करना है तो सिंपल हम पहले क्या करेंगे, उस क्यू का नंबर हमें स्पेसिफाई करना है कि वो फर्स्ट क्यू है, सेकंड क्यू है या थर्ड क्यू है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 3 हम क्यूज को डील कर रहे हैं एक साथ। तो पहले हम उसके अंदर डालेंगे, चेक करने से पहले हम डालेंगे कि क्या कौन सी क्यू के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, क्यू का नंबर, एंड इस एम्प्टी को जो है हम यहाँ पर लगा रहे होंगे, एंड फिर हम रिटर्न करवाएंगे उस फ्रंट को, मतलब एंड देन उसके बाद उस क्यू नंबर। तो अगर वो इक्वल इक्वल टू -1 होता है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर जो क्यू है वो एम्प्टी है। सिमिलरली हम फुल चेक करेंगे तो सिंपल साइज -1 को हम इक्वेट करके देखेंगे, एंड हर बार हमें क्यू नंबर देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास 3 क्यूज हैं, उनमें से किसका फुल या किसका एम्प्टी आप चेक कर रहे हो ये आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है, एंड ये आप हर ऑपरेशन के अंदर जो है ना दे रहे होगे। अब एनक्यू ऑपरेशन की बात करें तो सिंपल यहाँ पर आपका क्यू नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, एंड आप डेटा जो है उसके अंदर दे रहे हो। यहाँ पर आप जब फुल को चेक करोगे इस फुल, तो आप क्यू नंबर दे रहे होगे, एंड यहाँ पर आप जो क्यू है वो आपकी फुल है या नहीं वो आप दिखा रहे होगे। सिमिलरली एम्प्टी है या नहीं वो आप चेक करोगे एंड उसको दिखा रहे होगे। एंड जब आपको एनक्यू करना है तो पहले तो उसका जो रेयर है उस पर्टिकुलर क्यू का आप उसको इंक्रीमेंट करोगे, उसके बाद उस क्यू का जो क्यू नंबर है उसके अंदर रेयर का, देखो हमेशा जो भी है ना क्यू है, रेयर है, फ्रंट है, जस्ट उसके साथ आप क्यू नंबर ऐड कर दो, क्योंकि हर चीज में आपको स्पेसिफाई करना है कि आप इस क्यू की बात कर रहे हो, ठीक है। तो जस्ट आपने यही करना है, एंड आपने जो है ये डेटा के मतलब डेटा जो है वो आपने इसमें डाल देना है, जस्ट 2D एरे के साथ यहाँ पे डील हो रहा है। आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है आप प्रोग्राम छोड़ सकते हो, जस्ट मल्टी क्यू का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, एंड इसके अंदर आप बेसिक ऑपरेशन कैसे कर पा रहे हो वो मैं आपको जस्ट यहाँ पे बता रही हूँ, तो ये भी समझ लिया तो एक्सेलेंट। देन DQ ऑपरेशन की अगर बात करें तो वही हमने यहाँ पे क्यू नंबर जो है देना है, एंड DQ के लिए सारी चीजें करनी है जो हमने सिंपल क्यू में किया ना, वही सब चीजें करनी है, जस्ट इसको अब 2D एरे हमें समझ के जो है ना करना होगा। सो आई होप आपको समझ में आया है डिस्प्ले एलिमेंट्स के अंदर। सो देखो डिस्प्ले क्यू के अंदर भी देखो हमें क्या करना है, हमें सिंपल वही इम्प्लीमेंटेशन करना है जो हमने अभी सिंपल क्यू का हमने मैंने आपको कोड करके दिखाया था ना, सेम वैसे ही करना है, जस्ट आपको जो है ना क्यू नंबर यहाँ पे हर किसी में मेंशन करना है, स्पेसिफाई करना है, क्योंकि हम एक साथ ज्यादा से ज्यादा 2-3 हम जो क्यूज है ना उनके साथ डील कर रहे हैं, तो पहले हमें उनका क्यू का नंबर भी देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब उनको डिस्प्ले करवाएंगे तो फॉर लूप में भी देखो सिंपल फ्रंट लिखने के बजाय हम फ्रंट क्यू नंबर भी दे रहे हैं, ताकि उस क्यू का जाके हमारा जो डिस्प्ले है वो हो रहा हो, है ना। सिंपल रेयर एंड देन एवरीथिंग हम इसको ऐसे ही करेंगे, देखो तो 2D इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारा यहाँ पे होगा। मेन फंक्शन में आके हम अगर देखें तो बेसिकली एनक्यू करने के लिए भी देखो हमें पहले क्यू नंबर देना है, फिर हम उस एलिमेंट को दे रहे हैं। तो देखो 00 क्या है आपकी फर्स्ट क्यू, 11 क्या है आपकी सेकेंड क्यू, 22 क्या है आपकी थर्ड क्यू है, राइट। तो बस आपने क्या कर दिया, उनके अंदर एलिमेंट्स ऐड कर दिए, तो फर्स्ट क्यू में क्या है 10-20 आ गए, सेकेंड क्यू में 30-40 आ गए, थर्ड क्यू में आपके 50-60 आ गए। अब जब हम डिस्प्ले करवाएंगे तो देखो 0-1-2 हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 क्यूज से डील कर रहे हैं। अब देखो वही हमने यहाँ पे एनक्यू किया, Q1 Q2 Q3, और यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट क्यू में क्या है 10-20, सेकेंड में 30-40, थर्ड में है 50-60, राइट। तो बस हमने ये कर दिया है, एंड यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अगर अब देखो यहाँ पर अगर हम DQ करें, DQ मतलब डिलीट करें, जीरो में से, जीरो तो यानी कि आपकी फर्स्ट वाली क्यू में से और फर्स्ट सेकेंड वाली क्यू में से, तो देखो जब हम DQ करेंगे तो यहाँ का 10 चला जाएगा और यहाँ का 30 चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे DQ में हमारा 10 गया फर्स्ट क्यू का और 30 गया सेकेंड क्यू का, और जब हम यहाँ पे देखें तो अब वापस से अगर हम डिस्प्ले करवाएंगे तो फर्स्ट क्यू में सिर्फ 20 बचा, सेकेंड क्यू में 40 बचा, थर्ड क्यू में 50-60, राइट। तो बस आपको ऐसे कर लेना है। देखो यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया एक्सप्लेनेशन में, मल्टीपल क्यूज में इम्प्लीमेंटेशन किसका होता है, 2D एरे का होता है, ये याद रखो।
बस वही, बाकी NQ DQ डिस्प्ले सब कुछ सेम है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिंक्ड क्यू. लिंक्ड क्यू मतलब क्या कि हम देखते हैं कि यहाँ पर बेसिकली हम लिंक लिस्ट का यूज करके कैसे क्यू में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं ना. तो बहुत ज्यादा सिंपल है, हमने इतना लिंक लिस्ट का बड़ा सारा यूनिट पढ़ा है तो हमने उसको स्टैक में भी इम्प्लीमेंट करके देखा था लिंक लिस्ट. एंड नाउ अब हम क्यू के अंदर भी देखेंगे. तो देखो अगर आपका लिंक लिस्ट क्लियर होगा तभी आपको स्टैक का भी और क्यू का भी ये लिंक्ड वाला पार्ट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं. तो आप पहले लिंक लिस्ट का जो है ना यूनिट वो पढ़ सकते हो. लिंक्ड क्यू जो है वो क्या है, एक क्यू है जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट. इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिक्स्ड साइज हम बेसिकली लिंक लिस्ट यूज ही यू करते हैं कि हम डायनेमिकली ऐड कर पाए, एलोकेट कर पाए नोड्स को, विच अलाउज इट टू ग्रो एंड श्रिंक एज नीडेड. ठीक है, तो की कंपोनेंट्स क्या है हमारे लिंक्ड क्यू के, तो बेसिकली एक नोड, हम पता है नोड क्या होता है राइट. सो ईच एलिमेंट इन द क्यू इज जो है हमें उसका डेटा होगा उसमें प्रेजेंट और नेक्स्ट नोड होगा, ये हमें पता है. और जो फ्रंट और रेयर है वो आपके एलिमेंट्स होंगे. तो जो फ्रंट का वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और रेयर आपके लास्ट नोड को पॉइंट करेगा. इसके एडवांटेजेस क्या है गाइस, डायनामिक साइज होता है ना, कोई फिक्स साइज नहीं होता, हम जितना चाहे एलिमेंट्स ऐड या रिमूव कर सकते हैं. मेमोरी जो है वो डायनामिकली एलोकेट होती है. एफिशिएंट मेमोरी यूजेज है, यानी कि नो अनयूज्ड मेमोरी स्पेस लाइक इन एन एरे बेस्ड क्यू. ठीक है, और नो ओवरफ्लो, क्योंकि जब वो डायनामिकली है तो फिर कोई ओवरफ्लो वाली कंडीशन हमें इसमें नहीं देखनी है. वैसे ही बेसिक ऑपरेशंस हमारे लिंक्ड क्यू के, तो हम एन जब हम एन क्यू करेंगे यानी इंसर्ट करेंगे तो पहले तो एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उसको लिंक करेंगे हमारे करंट रेयर नोड के साथ, है ना, न्यू नोड को, और अपडेट कर देंगे रेयर पॉइंटर को राइट. जो लास्ट नोड है उसके साथ हम न्यू नोड को बेसिकली लिंक करेंगे और फिर जो है ना रेयर पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे. वैसे ही डी क्यू में हमें क्या करना है, हमें फ्रंट से क्या करना है, रिमूव कर देना है नोड को और अपडेट करना है फ्रंट पॉइंटर को टू द नेक्स्ट नोड, और फिर हम फ्री कर देंगे मेमोरी ऑफ द रिमूव्ड नोड. ओके, अब इज एम्प्टी अगर हमें चेक करना है तो सिंपल चेक कर देंगे कि अगर जो फ्रंट है वो हमारा नल पॉइंटर तो नहीं है, अगर नल पॉइंटर है तो वो हमारा क्या है, एम्प्टी है. और बस फुल कंडीशन कभी चेक नहीं करेंगे, ये गलती मत कर देना, आपको वहीं पर आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या कि जो लिंक लिस्ट है वो आपकी डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करता है. वही अब यहाँ पर आप अगर कोड देख लो तो देखो सिंपल हमने नोड यहाँ पे बनाया है ना, डेटा बनाया है एंड उसका जो पॉइंटर है वो बनाया है. अब इसके आगे देखते हैं, जो हमारा फ्रंट और रेयर पॉइंटर है हमने उनको नल पॉइंटर असाइन कर दिया. अब इफ इज एम्प्टी का चेक करना है तो वही जो मैंने आपको एल्गोरिदम ऊपर बताई ना, यही आप एल्गोरिदम समझो. ठीक है, इसी को आपको एल्गोरिदम में लिखना है. आपको वैसे भी आपको प्रोग्राम नहीं आएगा, आपको एल्गोरिदम ही लिखनी होगी. एंड ये जो है अगर आपको सुडो कोड आता है तो आप इस प्रोग्राम का जो है हेल्प ले सकते हो. एंड आप ये प्रोग्राम लिखोगे तो डेफिनेटली फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, चलो एनक्यू की अगर चलो यहाँ पर इज एम्प्टी देख रहे थे तो इज एम्प्टी कब ट्रू देगा, जब हमारा फ्रंट नल पॉइंटर होगा. इसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है. एनक्यू की बात करें तो देखो बहुत सिंपल है, हम पहले क्या करेंगे, एनक्यू के अंदर डेटा लिखेंगे और पहले क्रिएट करेंगे न्यू नोड. तो न्यू नोड कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपने लिंक लिस्ट यूनिट देखा होगा तो ये लाइन आपकी बहुत फेमिलियर होगी. इस ये नोड हमने पॉइंटर क्रिएट किया, न्यू नोड हमने उसको नाम दिया, न्यू कीवर्ड से हमने क्या किया, नोड को क्रिएट किया यहाँ पे. ठीक है ना, अब न्यू नोड का जो डेटा है उसमें हम डेटा असाइन कर देंगे जो कि हमें डेटा यहाँ पे मिला, और जो नेक्स्ट है वो अब हमारा नल पॉइंटर हो जाएगा. इसमें आपको लिंक लिस्ट का जो लॉजिक है, नॉलेज है, वो होनी चाहिए गाइस प्लीज. ओके, अब इज एम्प्टी हम कब चेक करेंगे, देखो कब हमारा ट्रू होगा, जब हमारा फ्रंट और रेयर वो हमारे न्यू नोड के इक्वल, मतलब अगर एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, जो उसका न्यू नोड है उसको हम हमारे फ्रंट रेयर के अंदर डाल देंगे, क्योंकि बोथ फ्रंट और रेयर एलिमेंट वो हमारे क्या कर रहे होंगे, एक ही जगह पॉइंट कर रहे होंगे, है ना. तो वो हमारे न्यू नोड को पॉइंट करने लगेंगे. और एल्स के अंदर अगर एम्प्टी नहीं है तो हमारा जो रेयर का नेक्स्ट होगा उसमें हम न्यू नोड दे देंगे, और जो न्यू नोड है वो हम रेयर के अंदर बेसिकली अपडेट कर देंगे. तो ये हमने एल्गोरिदम में कहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखा था. देखो जो न्यू नोड है वो हम क्रिएट करेंगे और लिंक करेंगे करंट रेयर नोड को टू न्यू नोड, एंड फिर अपडेट कर देंगे हमारे रेयर पॉइंटर को, है ना. तो बस वही तो किया यहाँ पे सिंपल, और बस हमारा एनक्यू जो है वो हो गया. अब सिंपल डीक्यू करना है तो हम पहले इज एम्प्टी चेक करेंगे, उसके बाद डीक्यू करने के लिए हम पहले जो फ्रंट है उसको हम टेम्प के अंदर स्टोर करेंगे, है ना. यानी जो टेम्प होता है बेसिकली हमने लिंक लिस्ट में बहुत यूज किया है. अब जब हमें डीक्यू करना है तो हम फ्रंट का डेटा पहले डिलीट कर देंगे, डीक्यू कर देंगे, है ना.
और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट को आगे बढ़ा देंगे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट ऑफ नेक्स्ट। एंड जब ये हो जाएगा तो एट लास्ट हम पहले क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि फ्रंट ही हमारा नल पॉइंटर तो नहीं है, है ना। इसका मतलब हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं बन गई, है ना। अगर एम्प्टी बन गई तो हम रेयर को भी नल पॉइंटर असाइन कर देंगे, एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो हम डिलीट कर देंगे हमारे टेम्प को, यानी जो फ्रंट में था उसको, क्योंकि अब हमने जो फ्रंट है उसको नेक्स्ट एलिमेंट को बना दिया, तो जो फ्रंट का फर्स्ट था वो हमें डी क्यू करना था, उसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। वैसे ही डिस्प्ले करवाने के लिए पहले इज एम्प्टी चेक करेंगे, उसके बाद फ्रंट को टेम्प में डालेंगे, एंड देन फिर क्यू एलिमेंट्स को देख रहे होंगे। देखो, और ये टेम्प कब तक, ये व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा टेम्प जो है वो नल पॉइंटर नहीं हो जाता, है ना। हम बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, और सी आउट करवा देंगे टेम्प का डेटा, बस हमें टेम्प का डेटा ही चाहिए, और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, हम आगे ट्रैवर्स कर रहे होंगे, जस्ट दैट मच। तो बस इसमें हमें डिस्प्ले, डी क्यू और एन क्यू, बस ये तीन ही फंक्शंस जो है बेसिकली लिखने हैं, एंड वही हम मेन फंक्शन में इनको NQ, DQ एंड डिस्प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा। लिंक लिस्ट से भी आपको इसको कैसे करना है, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो मैंने आपको समझाया वो ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। तो हमारा जो हमारा सिंपल क्यू का था, सर्कुलर क्यू का था, ये टॉपिक्स हमारे हो गए, जस्ट अब डबल एंडेड क्यू और प्रायोरिटी क्यू बचा है तो वो देख लेते हैं। सो डबल एंडेड क्यू, ठीक है, इसको भी डी क्यू बोलते हैं, लेकिन याद रखो इसको डी ई क्यू यू ई, इसको ऐसे जो है ना स्पेल करते हैं हम, तो इसको मतलब बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत कर देना उस डी क्यू के साथ। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था। स्टिल डी क्यू क्या है, एक आपका क्यू का ही वर्जन है, ठीक है, जो इंसर्शन और डिलीशन दोनों भी साइड से होता है, फ्रंट और रेयर से, है ना। अनलाइक द स्टैंडर्ड क्यू, यानी कि जो फीफो होता है उसमें क्या होता है, डी क्यू एक ही साइड से हो सकता है, लेकिन इसमें आप दोनों भी साइड से कर सकते हो। दो टाइप्स थे, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड में क्या था, इंसर्शन जो है वो हमारा एक साइड से रेस्ट्रिक्टेड था, और डिलीशन जो है वो दोनों साइड से हो सकता था। वैसे आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में डिलीशन एक साइड से होगा, इंसर्शन दोनों साइड से हो सकता था। एडवांटेजेस क्या है डबल एंडेड क्यू के, तो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे डेटा हैंडलिंग में, एंड एफिशिएंट फॉर सिनेरियोस रिक्वायरिंग डबल एंडेड ऑपरेशंस, एंड कैन एक्ट एज बोथ, यानी कि क्यू और स्टैक दोनों की तरह जो है ये एक्ट करता है, क्योंकि दोनों साइड से जो है हमारी ऑपरेशंस जो है हम दोनों साइड से कर सकते हैं। तो अगर आप सिलेबस में भी देखो तो डी क्यू का सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही है आपको, देखो यहाँ पर मैंने सिलेबस भी रखा हुआ है, तो ये जो डी क्यू है इसका सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, और जो है ना टाइप्स है जो कि मैंने आपको बता दिए, इससे ज्यादा आपको प्रोग्राम जो है वो नहीं है, ठीक है। तो सिंपल अब हम चलते हैं हमारे प्रायोरिटी क्यू के ऊपर, तो चलो यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू देख लेते हैं। तो देखो प्रायोरिटी क्यू का भी हम मैंने आपको बेसिक चीजें जो है वो बता ही दी है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू वेयर ईच एलिमेंट इज असाइंड अ प्रायोरिटी, है ना, और एलिमेंट जो जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी उसको ही पहले डी क्यू किया जाएगा, यानी रिमूव किया जाएगा रिगार्डलेस ऑफ इट्स ऑर्डर ऑफ अराइवल। बेसिकली ये जो है टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू से जो है हम इसको देखते हैं। असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू का मतलब क्या है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमारे एलिमेंट्स को रख रहे होंगे, एंड एलिमेंट्स विद द लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो डी क्यू होते हैं फर्स्ट, है ना। इंसर्शन occurs इन एनी ऑर्डर, बट जो डीक्यूइंग है वो क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर जो है वो फॉलो करता है, एंड डिसेंडिंग, इसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल देके स्टार्ट में जो एक्सप्लेन किया है। अब देखो डीक्यू अगर हम प्रायोरिटी क्यू के साथ अगर हम देखें कंपेयर करें, तो इंसर्शन डिलीशन डीक्यू में दोनों साइड से होता है, प्रायोरिटी क्यू में एज पर प्रायोरिटी, असेंडिंग है तो डिसेंडिंग है, तो एज पर प्रायोरिटी क्यू जो है इंसर्शन डिलीशन होता है। अगेन डी क्यू के अंदर अगर बात करें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की, तो ये फ्लेक्सिबल होता है, इसका मतलब सॉर्टेड नहीं होता है, लेकिन प्रायोरिटी क्यू में अगेन प्रायोरिटी वाइज वो उसको सॉर्ट किया जाता है। एप्लीकेशंस अगर देखें डी क्यू के, तो स्लाइडिंग विंडोज, पैलिंड्रोम चेक वगैरह में डी क्यू यूज होता है। प्रायोरिटी चेक के अंदर सीपीयू स्केड्यूलिंग एंड डिजिक्स एल्गोरिदम, ये सब जो है हमारे यूज होते हैं। तो बेसिकली डी क्यू और प्रायोरिटी क्यू का ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये अगर डिफरेंस आता है तो आप अपने मर्जी से और भी ऐड कर सकते हो, ये मेन पॉइंट्स थे जो एप्लीकेशंस वगैरह ये कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं, एप्लीकेशंस भी बताओ प्रायोरिटी क्यू के या डी क्यू के, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू के लिए प्रोग्राम पढ़ना है तो आपके लिए ये प्रोग्राम है, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। एंड सिमिलरली आपका जो प्रायोरिटी क्यू के लिए है ना असेंडिंग प्रायोरिटी वाला, वो भी मैंने यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ है, तो ये भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो हमारा जो मतलब हम अगर कोडिंग वाइज भी अपने आपको अगर बनाना चाह रहे हैं ना वेल पॉलिश्ड, तो हम यहाँ पर वो कर रहे होंगे,
तो चलो DQ के लिए इनपुट रेस्ट्रिक्टेड जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम देख लेते हैं। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या, एक साइड से इनपुट जो है नहीं होगा एंड आउटपुट दोनों भी साइड से होगा। तो देखो पहले तो हमने क्या कर लिया, हमने एक एरो के लिए साइज जो है वो दे दी 5, एरे बनाया जो कि DQ है एंड उसको अंदर साइज एलोकेट कर दिया, फ्रंट और रेयर को -1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें करना है इंसर्ट, अगर रेयर में इंसर्ट करना है तो हमारा जो अगर रेयर है वो हमारा अगर साइज -1 के इक्वल होगा तो हमारा DQ जो है वो फुल है, ठीक है। अगर फुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा फ्रंट -1 है तो हम क्या करेंगे, उस फ्रंट को पहले 0 बना देंगे, उसके बाद रेयर को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और फिर उस रेयर के अंदर क्या कर देंगे, डेटा को ऐड कर देंगे और बता देंगे कि यस इंसर्टेड। वैसे डिलीट के अंदर देखें, डिलीट फ्रॉम फ्रंट अगर मुझे करना है तो पहले मैं चेक करूंगी कि फ्रंट जो है वो -1 तो नहीं है, -1 है इसका मतलब जो हमारा DQ है वो एम्प्टी है। अगर डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर दूंगी। अब यहाँ पे DQ मतलब ये अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो अगेन DQ ऑफ फ्रंट से मुझे डिलीट करना है, ये एलिमेंट मैं बता दूंगी, है ना। अब मैं चेक करूंगी डिलीट करने से पहले कि फ्रंट और रेयर इक्वल तो नहीं है, अगर इक्वल है तो मैं उनको क्या कर दूंगी, -1 के इक्वल इक्वेट कर दूंगी, है ना। और अगर नहीं है तो मैं फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दूंगी बेसिकली, है ना। तो बस इतना होता है। अब डिलीट रेयर अगर मुझे करना है तो देखो मैंने यहाँ पे क्या देखा, इंसर्ट रेयर देखा और डिलीट फ्रंट देखा। अब मैं डिलीट रेयर देखती हूँ, देखो क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे इंसर्ट एक ही साइड से करना है तो मैं सिर्फ इंसर्ट फ्रॉम रेयर कर रही हूँ और डिलीट मैं दोनों साइड से कर रही हूँ, डिलीट फ्रंट भी कर रही हूँ डिलीट रेयर भी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कहीं पर भी इंसर्ट फ्रंट नहीं कर रही होंगी, यही होता है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अब डिलीट रेयर देखो प्रोग्राम, इसमें मैं चेक कर रही हूँ मेरा रेयर -1 के इक्वल तो नहीं है, है तो एम्प्टी हो जाएगा, नहीं है तो मैं डिलीटेड वाला जो है मैं DQ ऑफ रेयर को यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगी कि ये डिलीट हो चुका है। लेकिन उसको डिलीट करने के लिए मैं पहले सिंपल क्या करना है, मुझे रेयर -1 ही करना है, लेकिन एज केस को देखते हुए मैं पहले यहाँ पर फ्रंट और रेयर को इक्वल करके देखूंगी, इक्वेट करके, और ये अगर इक्वल नहीं मतलब अगर ये इक्वेट होते हैं तो हम बोल दूंगी पहले इसको असाइन कर दूंगी -1 और बोल दूंगी क्यू जो है वो एम्प्टी है, ठीक है, और रेयर -1 कर देंगे, ठीक है। सो बस इतना करना है। अब डिस्प्ले में करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रंट -1 तो नहीं है, है तो एम्प्टी हो जाएगा, और बस DQ एलिमेंट्स को हम वही जो हमारा फॉर लूप है जो सिंपल हमने सिंपल क्यू में देखा था वही लगाएंगे और बस इंसर्ट एट रेयर रेयर करके 10, 20, 30 अगर दे देंगे और डिस्प्ले कर देंगे तो मेरा जो क्यू है उसके अंदर 10, 20, 30 आ जाएंगे। अब इंसर्ट एट रेयर रेयर ठीक है 10, 20, 30 हमारे चले गए, अब डिस्प्ले भी करवा दिया। अब डिलीट फ्रंट से मैं करूंगी तो मेरा 10 जो है वो चला जाएगा और फिर डिस्प्ले करेंगे तो 20, 30 बचेगा। अब डिलीट रेयर करूंगी तो 30 डिलीट हो जाएगा और जो मेरा डिस्प्ले में है सिर्फ 20 बचेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो दोनों भी साइड से जो है ना हम ऑपरेशन कर सकते हैं क्योंकि इसीलिए ये जो DQ है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अब जैसे मैंने आपको इनपुट के लिए करके दिखाया, आप ट्राई करो, अगर आपको ये समझ में आया तो आप आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड का भी प्रोग्राम करके देख सकते हो अगर आप कोडिंग एंथुसियास्ट हो तो, अदरवाइज आप सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो ये प्रोग्राम आप स्किप भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू का एग्जांपल देखते हैं, असेंडिंग प्रायोरिटी। सो प्रायोरिटी क्यू के लिए ना हम वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर वेक्टर डिफाइन किया है। अदरवाइज देखो आप इसको एज बहुत ज्यादा सिंपल आप इसको समझ सकते हो। प्रायोरिटी क्यू के अंदर असेंडिंग प्रायोरिटी हमें देखनी है तो जिसकी प्रायोरिटी मतलब हाई होगी वो लास्ट एलिमेंट होगा हमें पता है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे सिंपल पुश करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू जो है बनाई है असेंडिंग के लिए। तो प्रायोरिटी क्यू मैंने कैसे डिफाइन की, मैंने इंटीजर पहले दिया उसके बाद वेक्टर इंटीजर डिफाइन किया एंड ग्रेट इंटीजर, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं पुश कर रही हूँ 30 और फिर पुश कर रही हूँ 10 एंड फिर पुश कर रही हूँ 20 तो मेरी जो प्रायोरिटी क्यू है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, है ना। एंड जो मुझे आउटपुट मिलेगा ना उसके अंदर मुझे 10, 20, 30 ऐसा मिलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं फ्रंट से डिलीट करूंगी, देखो मैं फ्रंट से यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इज एम्प्टी पहले चेक कर रही हूँ, नॉट एम्प्टी का मतलब यही है कि एम्प्टी है या नहीं, एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर जब तक एम्प्टी नहीं है हम क्या करेंगे टॉप का जो एक्सेस करेंगे जो लोएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट है वो एंड उसी को पॉप कर रहे होंगे तो ही जाके हमारे पास ये ऐसा आएगा। एंड सिंपल अगर मैं DQ करूंगी तो मुझे ऐसा मिलेगा एंड डिलीट 10 किया तो 20, 30 बचा, 30 डिलीट किया तो सिर्फ 20। अच्छा ये तो DQ प्रोग्राम का था, आई एम सॉरी, प्रायोरिटी क्यू के अंदर देख रहे थे हम यहाँ पे। तो सिंपल ये क्या था, ये सिर्फ हमारा क्या है डिस्प्ले करवाने के लिए है, व्हाइल लूप ये क्या है सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए है। तो अगर ये PQ.empty मतलब जब तक नहीं हो जाता जब तक हम टॉप का एलिमेंट जो है वो प्रिंट करवाएंगे एंड उसको प्रिंट करवाएंगे मतलब पॉप भी करवा रहे हैं उसको उसी वक्त, तो बेसिकली 10, 20, 30 हमने दिया था किस ऑर्डर में, 30, 10 और 20 के ऑर्डर में, लेकिन हमें मिला कैसे 10, 20, 30 के ऑर्डर में। तो ये क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर है ना, असेंडिंग आपका प्रायोरिटी है, ठीक है। और जो ऊपर DQ वाला था उसके लिए जो मैंने आपको बताया था ये आउटपुट है उसका, तो लास्ट में
जैसे 20 मिल रहा था मैंने आपको बताया था, तो वही 20 हमें यहाँ पर मिल रहा है। सो आई होप मैंने आपको सक्सेसफुली पूरा का पूरा क्यू जो है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। सो इतने ज्यादा सिंपल वे में आई डोंट थिंक सो आपको कोई समझाएगा गाइस, ठीक है। तो आप प्लीज इसको ऐसे ही पढ़ो, एंड ये जो नोट्स है ये भी मैं अपलोड कर दूंगी आपके हैंड रिटन, मैंने जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी अपलोड कर दिए हैं। आप जल्दी से जल्दी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, आपको कंप्यूटर AIDS स्टूडेंट्स दोनों के लिए, एंड आपको बहुत अच्छे से वहां पर हर चीजें मिल रही होंगी, एंड एग्जाम टाइम्स पे आपको प्रो लेवल आपको हेल्प की जाएगी। सो प्लीज डोंट मतलब थिंक ज्यादा कि यार इसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा है या कुछ ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत चीजें जो है ना वहाँ पे मिल रही होंगी। एंड चलिए जैसे ही वापस से देख लूँ मैं आपको वापस से रिवाइज करवा दूँ क्यू में क्या क्या देखा हमने। तो बेसिक हमने जो है ना क्यू के ऑपरेशंस देखे, टाइप्स देखे है ना, उसके बाद हर ऑपरेशन का हमने जो है हर ऑपरेशन को ऐसे समझा, एनक्यू ऑपरेशन हमने समझा, फिर डीक्यू ऑपरेशन हमने समझा है ना, उसके बाद मैंने आपको फ्रंट का कैसे करना है, रेयर को कैसे करना है, इज एम्प्टी इज फुल ऑपरेशन पढ़ा, फिर कंप्लीट प्रोग्राम मैंने आपको VS कोड के अंदर करके दिखाया है ना, यही प्रोग्राम करके दिखाया था। एंड देन सर्कुलर क्यू वाला टॉपिक हमने पढ़ा, एंड उसका भी हमने जो है यहाँ पर प्रोग्राम देखा। उसके लिए हमने यहाँ पे देखो की फीचर्स, उसके एडवांटेजेस एंड ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है गाइज। आपको एप्लीकेशन एडवांटेजेस बेसिकली पूछे जाते हैं सर्कुलर क्यू के, उसका मैंने यहाँ पर आपको प्रोग्राम भी एक्सप्लेन कर दिया है ना। एंड उसके बाद हमने देखा क्या, उसके बाद मल्टी क्यूज देखा, मल्टी क्यूज भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हमने बहुत ज्यादा अच्छे से हमने समझा, लेकिन इसमें क्या है 2D जो है हमारा एरे वो यूज हो रहा है वो भी हमने देखा है ना। उसके बाद हमने पढ़ा लिंक्ड क्यू, तो लिंक लिस्ट के हेल्प से हमने इसको भी डिफाइन किया एंड बहुत अच्छे से इसको करा। ये आपको बहुत ईजी तब लगेगा जब आप लिंक लिस्ट जो है मेरा पढ़ के आओगे एंड बहुत अच्छे से समझ लोगे है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने DQ डबल एंडेड क्यू देखा जो कि इंपॉर्टेंट है, उसमें से इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू का प्रोग्राम मैंने आपको बताया। प्रायोरिटी क्यू हमने पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, एंड उसके लिए भी मैंने असेंडिंग प्रायोरिटी वाला जो प्रोग्राम है वो आपको दिया है। ये दोनों भी प्रोग्राम आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन स्टिल आप करके जाओगे तो वेल एंड गुड। आपको सुडो कोड आया तो भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज शॉर्ट नोट ही ज्यादातर एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। एंड अब जब आके यहाँ पर आप सिलेबस में देखो तो देखो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्यू का, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग सिक्वेंशियल क्यू ऑपरेशन। तो ये जो क्यू एब्स्ट्रैक्ट से लेके ऑपरेशन तक है ना, ये सिर्फ आपको वो NQ DQ फुल इज एम्प्टी फ्रंट रेयर, बस इतना ही एक्सप्लेन करना है कोई भी आ जाए तो, ठीक है। एंड क्यू ऑपरेशंस आता है तो आप प्रोग्राम भी एक्सप्लेन करोगे, ये भी एक्सपेक्टेड होता है। फिर हमने सर्कुलर क्यू पढ़ा, उसके एडवांटेजेस, फिर हमने मल्टी क्यूज को पढ़ा है ना, यहाँ पे देखो मल्टी क्यूज को यहाँ पे पढ़ा, फिर लिंक्ड क्यू हमने पढ़ा, उसके ऑपरेशंस भी पढ़े है ना, मैंने आपको पूरा प्रोग्राम बताया। फिर हमने DQ पढ़ा, राइट, DQ का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके टाइप्स पढ़े, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड, और प्रायोरिटी क्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट और टाइप्स, ठीक है। तो बेसिकली DQ और प्रायोरिटी क्यू के सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि शॉर्ट नोट ही आपको आएंगे जिसमें आपको टाइप्स भी एक्सप्लेन करना होगा, बस। प्रोग्राम एक्सपेक्टेड नहीं है DQ और प्रायोरिटी क्यू का, स्टिल आपको अगर चाहिए, आपको कोडिंग करनी है तो आप जो है इन प्रोग्राम्स का यूज ले सकते हो। जस्ट आपको प्रोग्राम कौन सा इंपॉर्टेंट है गाइज, तो जो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, सिंपल क्यू का। चाहो तो आप सर्कुलर क्यू का भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसके एडवांटेजेस पर ही क्वेश्चन आता है। लिंक्ड क्यू का जो है उसके ऑपरेशंस पे आपका प्रोग्राम आ सकता है, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए हमारा जो क्यू है वो भी पूरा होता है, एंड सक्सेसफुली हमने FDS का भी पूरा का पूरा जो सिलेबस है तो वो हमने सेमेस्टर 3 का आपका कंप्लीट कर दिया है। तो प्लीज गाइज मुझे इस वीडियो के नीचे आपके जो रिव्यूज चाहिए, आप कैसा फील करते हो मुझसे पढ़ने के बाद, एंड डेफिनेटली आपको कैसे समझ में आता है आप मुझे बताओगे। नॉट प्लीज मुझे ये कॉमेंट्स नहीं चाहिए कि ये नेक्स्ट यूनिट कौन सा क्या, प्लीज अब मैं थक गई हूँ वो कमेंट्स को पढ़ पढ़ के। जस्ट आई नीड व्हाट योर आपको कैसा लगा, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर मेहनत लगती है, ये पूरे मैंने ये पूरे रात शाम से कल शाम से बैठ के कल रात तक मैंने ये जो है ना नोट्स बनाए थे, एंड देन आई हैव रिकॉर्डेड इट टुडे। एंड आपको जो है वीडियो भी मिल गई होगी जो कि स्ट्रैटेजी वीडियो है फॉर लास्ट 5 डेज, वो आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आपका जो है ना बहुत अच्छे से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। तो प्लीज आप जाके वो वीडियो भी आज चेकआउट कर लो, तो आज से जो टाइम टेबल है वो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड जल्दी जल्दी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के अंदर ऐड हो जाओ ताकि मैं फिर उसको क्लोज कर दूं, क्योंकि मेरे पास जितने मेंबर्स चाहिए वो हो जाए, तो डेफिनेटली आई विल बी क्लोजिंग दैट थिंग, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।